हेलो 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 कैन यू ऑल हियर मी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग हेलो 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 यस चलो सबको मेरी आवाज़ आ रही है कैन यू ऑल हियर मी टेल मी फटाफट से गुड मॉर्निंग सर प्लीज चेक करो एम आई ऑडिबल Yes, you can hear me now. Hello, good morning, good morning, good morning, everybody. A very good morning and a very happy July month to one and all. So आज से हम start करने वाले हैं आपके MHT CET का one shot lectures, live lectures जिसमें हम 12 standard के biology के 15 chapters cover करेंगे, ठीक है? और 11 standard का जो भी आपका bio का portion है, चार chapters जो bio के हैं, इसका आपको direct one shot देखना है। क्या देखना है? इसका आपको उसके लिए आप इसके रिकॉर्डिंग देख सकते हो मेजर फोकस ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के वन शॉर्ट पे किया जाएगा जो चैप्टर्स लाइव लिए जाएंगे आपका बायो और आपका फिजिक्स सारे के सारे चैप्टर्स लाइव लिए जाएंगे और अगर आप अच्छे से ये सारे वन शॉर्ट लेक्चर्स देखते हो थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो थोड़ा सा रीडिंग करते हो तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपके बहुत 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 अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की और अगर आप अभी से भी स्टार्ट करोगे तो भी यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स यस इज दिस क्लियर एवरीबडी सो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में बता देती हूँ और अपकमिंग सेशन के बारे में बता देती हूँ तो ये टाइम टेबल हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप हमने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट हमने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन पे सब जगह दे दिया है आपका आज बायो का चैप्टर मैं लेने वाली हूँ उसके बाद फिजिक्स का कल कल सुबह आठ बजे आपका एट टू नाइन थर्टी ए एम आपका फिजिक्स का चैप्टर वन का वन शॉट होने वाला है सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये टाइम टेबल शेयर करो और आप ख़ुद भी इस टाइम टेबल का फोटो लेकर अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लो ताकि आपके ये लेक्चर्स मिस ना हो ठीक है सो यू कैन फॉलो आस यू कैन सेव दिस टाइम टेबल एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग विथ आस ठीक है ताकि अगर अब तक आपका कुछ रिविजन बाकी रह गया होगा तो अब वो कंप्लीट हो जाएगा ओके यस yes. सो so, कल का टाइम टेबल स्केड्यूल याद रखो कल आपका सुबह रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर का टेस्ट वन शॉर्ट लेक्चर होने वाला है फिजिक्स का ए टी एम चलो आर यू ऑलरेडी शेल वी स्टार्ट विद अवर टूडेज चैप्टर एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे मैं बार बार कमेंट सेक्शन नहीं देखने वाली क्योंकि बहुत ज्यादा फिर मुझे स्ट्रेस हो जाता है फिर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती हूँ सो इट्स ओके कमेंट सेक्शन में बीच बीच में देखती रहूंगी अगर मुझे कोई जेन्युन डाउट लगा टॉपिक से रिलेटेड तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन उसके अलावा कोई भी डाउट अगर होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ के रख देना बाद में टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूंगी यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ाएंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी आप वो कमेंट करके रख देना सो तो वी स्टार्ट जल्दी जल्दी सब लोग कलरफुल हार्ट दे दो दस सेकंड के अंदर स्टार्ट करते हैं फटाक से बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है येस टेन एट सेवन सिक्स फोर थ्री टू वन लेट स्टार्ट हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग चलो सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक कंपल्सरी लेके बैठना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर में से जो भी टॉपिक डिलीटेड है मैं वो बता दूंगी कि आपको क्या नहीं करना है ठीक है दो या तीन ही डिलीटेड है तो ज्यादा कोई पार्ट इसमें से डिलीटेड नहीं है सब कुछ ही आपको करना है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है आप ब्रीदिंग जब करते हो यानी कि जब हम गैसेस इनहेल करते हैं तो गैसेस इनहेल करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है दैट एक्सचेंज मैकेनिज्म इज़ नोन एज रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग प्लस मेटाबॉलिज्म ये दोनों मिला के हमारा बनता है रेस्पिरेशन आपने सांस अंदर ली जब हवा से हम सांस अंदर लेते हैं तो इतने सारे गैसेज है हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है पता नहीं कौन से कौन से गैसेज हैं तो इतने सारे गैसेज हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं लेकिन वो सारे गैसेज हमारे ब्लड तक पहुँचते हैं क्या नहीं हमको उसमें से जो सफिशेंट जो इंपॉर्टेंट गैस है हमारा ब्लड वही एक्सेप्ट करता है बाकी का सारा एलिमिनेट हो जाता है तो ब्रीदिंग प्लस मेटाबॉलिज्म एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज टुगेदर नोन एज रेस्पिरेशन और आपने जो ऑक्सीजन फिल्टर करके अपने ब्लड में मिक्स किया है उस ऑक्सीजन को बॉडी तक सर्क्यूलेट करना है So that is known as का डेफिनेशन आपको दिया गया है कई बार क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि आपका जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन है जब आप कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ऑक्सीजन क्यों चाहिए तो बेटा हम जो खाना खाते हैं जो ठूसते हैं हम उसको ब्रेकडाउन करने के लिए हमको कोई ना कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट चाहिए होता है सो so, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है सो so, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए जिसके वजह से आपके बॉडी में आपके ब्लड में सीओ टू प्रोड्यूस होता है एच टू ओ प्रोड्यूस होता है और थर्टी एट ए टीपी मोलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ये थर्टी एट ए टीपी मोलिक्यूल कैसे बनते हैं इलेवंथ स्टैंडर्ड में हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था ग्लाइकोलिस साइकिल और यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ठीक है सो so, कई बार फ्यूल अगर ब्रेक डाउन हो रहा है यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है तो कितने एटीपी बनेंगे फटाक से सब लोग कमेंट करो कितने एटीपी बनेंगे 38 एटीपी मॉलिक्यूल और इसीलिए अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी नहीं मिलेगा एटीपी नहीं मिलेगा तो हमारे सेल्स कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे सो इसीलिए गैसियस एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब गैस एक्सचेंज करने के लिए जो सरफेस होता है वो सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दू आपको रेनकोट अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है आप लोग सब लोग रेनकोट खरीदने जाते हो तो रेनकोट खरीदने के टाइम पे हम कौन सी चीजें ध्यान में रखते हैं सबसे पहली बात की प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है फिर दूसरी बात वो अपने साइज का है या नहीं है आप कभी भी परफेक्ट एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला रेनकोट नहीं लेते क्योंकि अगर आपने बैग पहना तो वो रेनकोट छोटा हो जाता है तो हम थोड़ा सा बड़ा रेनकोट लेते हैं ताकि अगर हम कोई लगेज पहने तो वो रेनकोट का साइज छोटा ना हो सो आईज मैटर करता है उसके सरफेस सरफेस उसका जो का क्वालिटी है वो मैटर करता है और लास्ट में कलर वगैरह आता है इज दिस क्लियर एवरीबडी सो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस का प्रॉपर्टी क्या है आपको ये तीन पॉइंट देंगे और लास्ट में डी वाला ऑप्शन दे देंगे ऑल ऑफ द अब तो तो ये भी एक MCQ आ सकता है तो इसमें आप ऑल ऑफ सिलेक्ट सरफेस एरिया यानी रेनकोट हमेशा बड़ा होना चाहिए सरफेस बड़ा होना चाहिए जितना ज्यादा सरफेस बड़ा होगा उतना ज्यादा गैस एक्सचेंज होगा इट शुड बी थिन एंड हाईली वास्क्यूलर यानी ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स होने चाहिए या जो भी वेसल्स ज़्यादा वेसल होंगे तो ज्यादा गैस आपके फ्लूड में एक्सचेंज होगा और फ्लुइड को ट्रांस फ्लुइड की मदद से वो गैस ट्रांसपोर्ट होगा एंड लास्टली इट शुड बी मॉइस्ट क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन स्मूद हो जाएगा सो ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन अब इधर पे एक क्वेश्चन कि समझो आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है हमने ग्यारहवीं में पढ़ा था ना ग्लाइकोलिसिस क्रेप साइकिल मतलब टीसीए साइकिल और ईटीएस अगर ये सारा प्रोसेस बीच में से काट दिया जाए और एकदम से शॉर्टकट ले लिया जाए यानी डायरेक्ट शुगर को ब्रेक डाउन करके बीच में जो इंटरमीडिएट से अगर वो इंटरमीडिएट्स ना मिले और डायरेक्ट अगर हमको फाइनल प्रोडक्ट मिले तो उसके वजह से क्या होगा आपको फाइनल प्रोडक्ट तो मिल जाएगा लेकिन बीच के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं कई बार ये इंटरमीडिएट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर का, का काम करते हैं यानी कि ये दूसरे अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड्स के बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो अगर ये इंटरमीडिएट्स नहीं मिले तो हमारा बीच का अमीनो एसिड्स नहीं बनेगा अमीनो एसिड्स नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं, तो नहीं बनेगी प्रोटीन नहीं बनेगी तो सेल किधर से बनेंगे सेल नहीं बनेंगे इसीलिए इंटरमीडिएट्स फॉर्मूला जरूरी है मतलब ये तो वही बात होगी कि जूनियर के आपने पढ़ा फिर उसके बाद डायरेक्ट आपने दस साल का ब्रेक ले लिया और फिर आप डायरेक्ट दसवीं का एग्जाम दे रहे हैं तो बीच में का आपने को कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ बेसिक क्लियर नहीं रहेगा सो दैट अ वेरी बैड आईडिया तो दीज ये आपका एक प्रोबेबल एमसीक्यू है देखो मैं टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते एमसीक्यू कैसे टाइप के हो सकते हैं वो भी आपको बताने वाली हूँ अब इधर पे आपको बोला गया है कि प्लांट्स में कैसे गैस एक्सचेंज होता है तो प्लांट्स में दो तरीके से गैस एक्सचेंज होता है जो हमारे यंग प्लांट्स होते हैं या जो ओल्ड प्लांट्स भी होते हैं यंग प्लांट या ओल्ड प्लांट्स तो उनके जो लीव्स होते हैं लीव्स के अंदर टमाटा जो प्रेजेंट होता है वो टोमाटा की मदद से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है यानी गैसेस एक्सचेंज होता है लेकिन जो बड़े बड़े जैसे बैनियन ट्री हैं ओके तो ये इतने मैंगो ट्री हैं ये इतने बड़े बड़े जो ट्रीज हैं अब इनका सिर्फ लीफ के वजह से अगर हम आ, सर्कुलेशन या रेस्पिरेशन करने के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो काम पूरा नहीं होगा तो ऐसे प्लांट्स में कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स भी होना चाहिए रेस्पिरेशन का सो दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या होता है उनकी बार्क यानी कि उनकी लकड़ी यहाँ कुत्ता नहीं भोंक रहा है ये हम लकड़ी की बात कर रहे हैं बार्क मतलब ये एक टाइप का अपना स्टेम होता है जो बहुत ही ज्यादा टफ होता है और ये आपके परमानेंट टिश्यू से बना हुआ होता है सो so ये जो बार्क होता है इस बार्क के ऊपर हमको छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं पोर्स दिखाई देते हैं उन पोर्स को हम बोलते हैं लेंटिकल्स और लेंटिकल्स की मदद से ये अपना बाकी का गैसियस एक्सचेंज करते हैं मतलब जितना बड़ा सर्फेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा अलग अलग चांसेस बढ़ जाते हैं रेस्पिरेशन सक्सेसफुल करने के यहाँ तक सबको समझ में आया येस yes, एवरीबडी समझ में आ रहा है तो फटाफट से सब लोग लाइक बटन ठोकते जाओ ओके ये देखो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए रेस्पिरेटरी सर्फेस के प्रॉपर्टी क्या क्या होने चाहिए सर्फेस लार्ज होना चाहिए मॉइस्ट होना चाहिए ज्यादा वेसल्स होने चाहिए प्लांट्स के पास टोमाटा और लेंटिकल्स होते हैं तो प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है आपके सीई के लिए आपको हर एक क्यूरियोसिटी बॉक्स कैन यू रिकॉल बॉक्स डू यू नो बॉक्स नो द साइंटिस्ट यानी टेक्सट बुक में जितने भी कलरफुल बॉक्सेस हैं सारे कलरफुल बॉक्सेस आपको कंपलसरी करने हैं येस ओके अब अपना आता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स वाला प्लांट पार्ट यानी कि हमारी बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन होता है देखो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाया गया है दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी हमारे पास लंग्स है अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें लेकिन अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें जैसे मेंढक या फिश तो इनके पास लंग्स नहीं होते एक तो इनकी बॉडी इतनी सी है इतनी सी बॉडी में ये इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन कैसे एडजस्ट करेंगे इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है आपके सीई एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मतलब हम जो शिफ्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो शिफ्ट वाइज एमसीक्यूज जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें इस चैप्टर से इस टेबल से हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एक टर्टल्स के ऊपर है एक रेप्टाइल्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक ये अपना प्लेनेरिया या फ्लैट वर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो so, ये टेबल इन शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब चैप्टर ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तभी बोला था कि इस टेबल को ऑप्शन में नहीं रखना है यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं और वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं तो जो अपने एकदम एकदम प्राइमरी फाइलम वाले एनिमल्स हैं जो एकदम अनडेवलप्ड हैं वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं और जो फ्लैट वर्म्स हैं वो भी अपने बॉडी सरफेस की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं इंसेक्ट के पास लंग्स नहीं होता लेकिन कॉकरोच के बारे में हमने पढ़ा था ना उनकी बॉडी के ऐसे साइड साइड में होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्प्रैकल्स और यही स्प्रैकल्स से अंदर ट्रैकिया की ट्यूब कनेक्ट होती है सो so इंसेक्ट्स के पास ट्रैकियल ट्यूब या स्पराकल्स होते हैं फिर अपनी जो स्पाइडर्स हैं या स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू हैं उनके पास बुक लंग्स जैसा ऑर्गन होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं देन अवर आर्थरोपोड यानी ज्वाइंटेड अपेंडिज जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के पास भी लंग्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है बट प्रॉपर uh, लंग्स नहीं होता गिल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है की so की मदद 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 से से, से करते करते हैं, हैं के और टर्टल्स जो है ये की मदद से करते हैं देखो इधर टर्टल के पास भी ट्रैकिया होता है बट टर्टल्स पानी के अंदर रहते हैं दे लिव अंडर वाटर तो अंडर वाटर में इनका ट्रैकिया कुछ नहीं करता तो इनके जो टेल की तरफ जो क्लोकोआ प्रेजेंट होता है वहां से ये अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं यानी कि की मदद से ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है यस इज दिस क्लियर एवरीबॉडी ओके चलो इज दिस क्लियर टू एवरीवन वेरी गुड नेक्स्ट अब आता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से कौन से ऑर्गन आते हैं सबसे पहले तो आपके ये नथुने यानी कि हमारे नेयर्स तो एक्सटर्नल नेयर्स इंटरनल नेयर्स यानी कि ये बाहर के होल्स और अंदर जहां पर ये होल्स ओपन होते हैं फेरिंग्स की तरफ वो होल्स फिर उसके बाद नेजल कैविटी यानी कि हमारे नोज की ये बीच की जो कैविटी है दैट इज अवर नेजल कैविटी फिर उसके बाद नेज़ो फेरिंग्स नेजो फेरिंग्स किधर प्रेजेंट रहता है इधर देखो बच्चा ये अपना नेज़ो फेरिंग्स है यानी नोज का ओपनिंग जिधर खत्म हुआ यहाँ पे ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है जहां पे आपका गैस आएगा सीधे दिस इज योर नेजो फेरिंग्स जहां पे माउथ का कैविटी खत्म हो रहा है दैट इज अवर ओरो फेरिंग्स ठीक है तो ये सब पार्ट मतलब आपके नोज से लेके आपके फेरिंग्स तक जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं ये सारे अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है सो एक्सटर्नल नेयर नेजल कैविटी इंटरनल नेयर नेजो फेरिंग्स नोज थ्रोट यानी थोड़ा सा गला भी लेकिन पूरा का पूरा थ्रोट नहीं आएगा आपके लैरिंग्स के नीचे का जो पार्ट है वो पूरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है सो so, लैरिंग्स के ऊपर तक आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है लैरिंग्स के नीचे आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है सो लैरिंग्स फिर उसके बाद आपका ट्रैकिया ये देखो ये आपका लैरिंग्स फिर उसके बाद आपका ट्रैकिया फिर रोंकाय और फिर उसके बाद लंग्स ये सब आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है इज दिस क्लियर एवरीबडी ओके तो अब आगे देखो आपको नोज के बारे में क्या बताया अब मैम इधर से एमसीक्यू में क्या आता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर क्या इंपॉर्टेंट है वैसे तो इधर इस पर्टिकुलर पार्ट से एमसीक्यू में ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है लेकिन अगर कुछ पूछा तो ये पूछ सकते हैं कि आपका ये जो नोज है तो ये नोज के जो बाहर के होल्स होते हैं उसके बीच में से एक कार्टिलेज पास होता है इस कार्टिलेज को हम बोलते हैं मेसेथमोइड कार्टिलेज जो हमारे लेफ्ट और राइट नेजल कैविटी को डिवाइड करता है सो तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके अलावा वेस्टिब्यूल यानी कि जो अपने नोज का स्टार्टिंग का पार्ट होता है वहां पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डर्ट को फिल्टर करने में या बाहर के कचरे को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं ठीक है देन कम्स अवर मिडल पार्ट जिसको हम बोलते हैं कंडीशनर ये कंडीशनर में क्या होता है आपका मॉइस्चर यानी यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स यानी ये बीच वाला रीजन ये बीच वाला रीजन जो है ये अपना कंडीशनर वाला पार्ट है यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस यानी हमारा खून गर्म है बोलते हैं ना कि हम गर्म खून के इंसान है इंडियंस का खून गर्म होता है ऐसा कुछ नहीं है इन जनरल ह्यूमन वार्म ब्लडेड होते हैं और कोई भी चीज जो गर्म होती है उसमें से बाफ निकलती है वेपर निकलता है ओके तो so, इसीलिए हमारी नोज हमेशा मॉइस्चराइज रहती है क्योंकि हमारा जो ब्लड वेसल है आपके ये रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कंडीशनर वाले पार्ट में जो ब्लड वेसल है इसमें से जो वेपर्स निकलती है इसके वजह से हमारी नोज हमेशा गिली गिली रहती है मॉइस्चराइज रहती है ओके अब उंगली डाल के चेक मत करने लग जाना और लास्ट में आता है आपका फैक्ट्री चेंबर जो एकदम पीछे की तरफ होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा है ना कि एकदम लास्ट में अपना फैक्ट्री बल्ब होता है पेड्यूकल्स जिसको हम बोलते हैं तो ये ह्यूमंस में बहुत ज्यादा Uh, क्या बोल सकते हैं इसको हम कि ये रिसेसिव हो गया यानी कि ये सप्रेस हो गया है तो सिर्फ इसका वेंट्रल पार्ट विजिबल है बाकी इसका डोरसल पार्ट और लेटरल पार्ट कुछ भी विजिबल नहीं है सब कुछ ऐसे कवर हो गया है छुप गया है लेकिन एनिमल्स जैसे डॉग वगैरह होते हैं उनका ये ऑल्फैक्ट्री लो बहुत ज्यादा एकदम एक्टिवेटेड होता है इसीलिए उनको थोड़ी सी भी खुशबू आती है तो वो फटाक से समझ जाते हैं कि किधर से स्मेल आ रही है ठीक है ओके okay. तो इसमें से एनसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कार्टिलेज के बारे में पूछ सकते हैं फिर अपना आता है फेरिंग्स वाला पार्ट अब फेरिंग्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है नेजो फेरिंस, ओजो फेरिंस नेजो फेरिंग्स 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 ओरो एंड एंड लेरिंजो यानी कि आपकी नोज की कैविटी आगे जाके जहां ओपन हो रही है ओरो फेरिंग्स यानी माउथ की कैविटी जहां जाके ओपन हो रही है नेजो फेरिंग्स और ओरो फेरिंग्स के मिलकर आपका जो गैस है वो गैस कहाँ जाता है वो आपके लेरिंग्स के पास जाता है सो so, नेजो फेरिंगस ऊपर का पार्ट है एंड ओरो फेरिंग्स आपके माउथ की कैविटी वाला पार्ट है ओरो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर मतलब आपका जो भी खाना है वो यहीं से जाएगा ओरल कैविटी से खाना आएगा नेजल कैविटी से एयर आएगी सो इट बिकम्स द कॉमन पैसेज इज दिस क्लियर एवरीबडी बिटवीन द नेजो फेरिंग्स एंड ओरोस इज द पैलेट बोन क्या बोला गया हमको इधर पे की नेजो फेरिंग्स और, और फेरिंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है इधर पे हमारी एक बोन यानी एक कवर जैसा एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फेरिंग्स एज अ सेट ऑफ लिमफॉड ऑर्गन कॉल्ड टॉन्सिल्स इसके बारे में हम एकदम लास्ट में पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन का क्या काम होता है या मैं अभी बता देती हूँ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है हा? लिम्फोइड ऑर्गनस का काम होता है लिम्फोसाइट्स बनाना और ये लिफोसाइट्स क्या करते हैं ये बनाते हैं डब्ल्यू मतलब लिम्फोसाइट्स का मतलब ही डब्ल्यू है जो हमारी बॉडी के एंटीजन से फाइट करते हैं यानी कि ये माइक्रोफाजिक एक्टिविटी दिखाते हैं कोई भी इन्फेक्शन को ये फाइट करके पहले ही खत्म कर देते हैं तो टॉन्सिल्स आर अवर लिम्फोइड ऑर्गन अब इधर पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सेट ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं ह्यूम में तो वी हैव थ्री सेट ऑफ़ टॉन्सिल्स यानी थ्री पेयर ऑफ टॉन्सिल्स हमारे पास होते हैं पैलेटीन टॉन्सिल होते हैं दो दो होते हैं आपके पास लिंगुअल टॉन्सिल और आपके पास दो होते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल तो ऐसे अपने पास तीन सेट ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं यानी थ्री पेयर ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं ठीक है ओके फिर उसके बाद अपना आता है लैरिंग्स वाला पार्ट तो इधर पे आपको एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है कि आपका फेरिंग्स में कौन सा लिम्फॉल्ड ऑर्गन प्रेजेंट है सो दैट इज टॉन्सिल अब लैरिंग्स इस पार्ट में से ना आपको एक ना एक एमसीक्यू आ सकता है ठीक है एक एमसीक्यू ऐसा आ सकता है कि फ्रॉम द गि ऑप्शन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन क्या बोला मैंने फ्रॉम द गि ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स तो ऑप्शन में आपको ट्रैकिया और फैरिंग्स लैरिंग्स और इेगस ऐसे ऑप्शन देंगे तो उसमें से राइट आंसर क्या आएगा लैरिंगस लैरिंगस इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स क्योंकि लैरिंग्स के पास से जो वोकल कार्ड पास होते हैं जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हवा के वजह से वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती है और जिसके वजह से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं आपने सुना होगा बीट बॉक्सेस जो होते हैं वो कितने अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं सो दैट इज़ बिकॉज दे हैव ट्रेंड देयर लैरिंग्स इन सच अ वे ठीक है अब इधर से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आता है कि आपका ये जो लैरिंग्स है वो लैरिंग्स कौन से बोन से सराउंडेड है या कौन से बोन से कनेक्टेड है सो द एक्सटेंड्स फ्रॉम लेरिंगज ऑफ एंड द ह्योइड बोन टू द ट्रैकिया यानी लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में कौन सी बोन आ रही है ऐसी एक कप शेप्ड बोन होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपका ये एपिग्लॉटिस है मतलब इसके पीछे के साइड ऐसे पीछे के साइड ना फूड पाइप रहेगा जिसके अंदर फूड जाएगा तो फूड पाइप समझो ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है तो दोनों के बीच में ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये पेन जो है ये अपना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है तो फूड पाइप में खाना जा रहा है ऐसे फूड पाइप पीछे की तरफ है आगे आपको लैरिंग्स दिखाई दे रही है और पीछे आपका ईसोफेगस है तो ईसोफेगस में खाना जा रहा है और लैरिंग्स में आपकी हवा जा रही है और बीच में उसको सेपरेट करने के लिए आपका ग्लॉटिस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस ठीक है इधर पे और एक क्वेश्चन आता है कि आ, आपके लैरिंग्स के पास कार्टिलेज रिंग्स होते हैं कि नहीं होते हैं सो अवर लैरिंग्स इज सराउंडेड बाय कार्टिलेज रिंग्स तो ये आपको याद रखना है ठीक है लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं लैरिंग्स ट्रैकिया से कैसे कनेक्टेड है बोन की मदद से कनेक्टेड है और लैरिंग्स कार्टिलेजिस की मदद से सराउंडेड है ठीक है और लैरिंग्स के ऊपर हमको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है फूड को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है इज दिस क्लियर एवरीबडी यस ठीक है ओके डन 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 चलो आगे बढ़ते हैं ओके okay. अब अपना आता है ट्रैकिया वाला पार्ट अब ट्रैकिया वाले पार्ट में देखो हमको क्या दिया गया है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इसके कार्टिलेज के ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है देखो सबसे पहली बात तो कार्टिलेज मतलब क्या होता है जैसे कि आप अपने मोबाइल के ऊपर स्क्रैच गार्ड लगाते हो तो स्क्रैच गार्ड क्या करता है आपके मोबाइल को मोबाइल की स्क्रीन को डायरेक्ट डैमेज होने से प्रिवेंट करता है वैसे ही अपना ये जो ट्रैकिया है ना ये बहुत ही पतला सा पाइप है बहुत ही सेंसिटिव सा पाइप है जैसे अपना स्ट्रॉ होता है नारियल पानी वाला स्ट्रॉ लेकिन उसके आजू बाजू में हम जब ऐसा कार्टिलेज का रिंग लगा देते हैं यानी कैल्शी कैल्सीफाइड लेयर तो उसकी वजह से ये अंदर की स्ट्रॉ को प्रोटेक्शन मिलती है एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ फ्रूटी वाला जो पाइप आता है दस वाला पंद्रह वाला फ्रूटी जब हम पीते हैं तो आपने देखा होगा कि वो फ्रूटी के पाइप में ऐसा फोल्ड आने से पहले इधर पे आपको ऐसे बेंडिंग दिखाई देती है और फिर इधर से वो पाइप फोल्ड होता है तो ये जो बेंडिंग है ये बेंडिंग थोड़ी सी कड़क रहती है बाकी के स्ट्रॉ के मुकाबले ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है टफ रहता है बिकॉज इट गिव्स बेंडिंग एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द ट्यूब फ्रॉम डैमेजिंग सो आपको एक क्वेश्चन आता है मतलब बहुत सारे ऐसे चार ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना रहता है तो बहुत बार उसमें स्टेटमेंट दिया रहता है कि ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय कम्प्लीट कार्टिलेज रिंग अब मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रैकिया के आजू बाजू में कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स होते हैं क्या जल्दी से बताओ कमेंट में सिर्फ येस या नो बोलो जल्दी जल्दी यस yes. जल्दी फास्ट Fast, fast. तो अपना का जो रिंग्टज मतलब तक जाएगा ऐसे कंप्लीट नहीं होगा ये देखो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होता है सो इट इज नॉट कम्प्लीट इट इज नॉट कम्प्लीट इट इज इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है इसके अलावा और एक चीज जो आपको याद रखनी है देखो आपका लैरिंग्स जो है ये आगे जाके ट्रैकिया में कंटिन्यू होता है आपका ये जो ट्रैकिया है ये ट्रैकिया आगे जाके जब अपने ब्रांचेस बनाता है तो उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकाय है, क्या बोलते हैं उनको हम ब्रोंकाय तो आपका ये जो कार्टिलेज का रिंग्स है ये किधर तक कंटिन्यू होता है ये सिर्फ प्राइमरी ब्रोंकाई तक कंटिन्यू रहता है यानी कि लंग्स के बाहर तक सिर्फ ये कार्टिलेज के रिंग्स होंगे जैसे ही ये प्राइमरी ब्रोंकाई के ब्रांचेस बनते हैं मतलब सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई और एलविओलाय बनते हैं आपका कार्टिलेज का रिंग खत्म हो जाता है फिर से बोल रही हूं मैं कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है ये सिर्फ ट्रैकिया के पास प्रेजेंट रहता है और प्राइमरी ब्रोंकाई तक प्रेजेंट रहता है थोड़ा बहुत एक दो सेकेंडरी ब्रोंकाई तक भी रहेगा लेकिन अदरवाइज लंग्स के अंदर जैसे

इस बंडल के अंदर ये हवा एक्सचेंज होगी सो ब्रोंका इज नथिंग बट इट इज द ब्रांच ऑफ ट्रैकिया विच हेल्प्स इन गैसियस ट्रांसपोर्ट ओके उसके बाद अपना आता है लंग्स ये देखो ये आपका प्राइमरी ये आपका ब्रोंकस है राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ये ब्रोंकस में एकदम क्लियर दिखाया है यहाँ पे कार्टिलेज है और यहाँ पे कार्टिलेज है लेकिन जैसे ये आपका ये ब्रोंका है आपके लंग्स के अंदर गया तो आपको कार्टिलेज देखने को मिल रहा है क्या नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है जैसे ही आपका ये प्राइमरी ब्रोंकाय अंदर जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाय बन जाता है तो इससे बहुत सारे बंडल ऑफ ग्रेप जैसे स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाय एल्वियोलाई के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा लंग का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं सबसे पहली बात तो ह्यूमन का जो लंग्स होता है वो दो पर्टिकुलर दो लंग्स होते हैं और दोनों लंग्स जो हैं वो चेंबर्स में डिवाइडेड होते हैं ठीक है देखो हमारा जो हार्ट है हमारा ह्यूमन का जो हार्ट है वो कुछ इस तरीके से लोकेटेड है यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे हार्ट का जो बेस है वो लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंटेड है ठीक है या एपेक्स बोल सकते हो आप हमारे हार्ट का जो एपेक्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंटेड है जिसकी वजह से यहाँ का लंग आपका छोटा हो जाता है और राइट साइड के लंग को ज्यादा जो जगह है वो ज्यादा मिलती है इसीलिए राइट साइड के लंग्स में आपको तीन लोब्स देखने को मिलते हैं और लेफ्ट साइड के लंग में आपको सिर्फ दो लोब्स देखने को मिलते हैं तो ये देखो अवर राइट लंग इज लार्जर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स एंड अवर लेफ्ट लेंग इज स्मॉलर बिकॉज इट इज डिवाइडेड इंटू टू लोब्स तो यह हो गई चेंबर वाली बात ये क्वेश्चन आता है ये बहुत ही फेमस एमसीक्यू है जो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से साइड के ह्यूमन लंग्स में थ्री चेंबर्स होते हैं या लेफ्ट चें लेफ्ट लंग में कितने चेम्बर्स होते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है उसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं सो लंग्स आर सराउंडेड बाई अ प्रोटेक्टेड लेयर विच आर नोन एज फ्लूरलबरेन आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर प्लूरल स्पेस जिसके बीच में भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूड ये फ्लूइड क्या करता है इन दोनों मेम्ब्रेन को कभी आपस में बर्स्ट नहीं होने देता ये फ्लूड जो है समझो ये आउटर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है तो दोनों के बीच में जो लिक्विड है ये लिक्विड क्या करेगा ये हमारे लंग्स को फ्रिक्शन होने से बचाएगा यानी ये बर्स्ट नहीं होने देगा ठीक है ओके okay, और फाइनली फिर हर एक लंग चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट right हो दोनों लंग्स के अंदर हमको जो ग्रेप्स लाइक बंडल देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं एलवीओलाई अब एलवीओलाई के बारे में इधर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है मैं आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताते जा रही हूँ तो प्लीज़ 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 अंडरलाइन करते जाओ ठीक है ओके प्लीज अंडरलाइन करते जाओ ठीक है ओके okay, अब एलवीओलाई के बारे में देखो क्या बताया गया है हमारा जो एलवी वाला स्ट्रक्चर है उसका जो मेम्ब्रेन है आवर एलवियोलाई इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथिलियम विच इज रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेंब्रेन यानी कि अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये देखो ये देखो हाँ ये अपना सिंगल एल्वियोलाय है ये जो है यह अपना सिंगल एल्वियोलाय है ये जिस मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा हुआ है उस मेम्बरेन को हम बोलते हैं सी दिस इज दिस दिस मेंब्रेन इज अवर एल्वियोलर मेंब्रेन आपको दिखाई दे रही है ये वाली मेम्ब्रेन जो मैं रेड कलर कर रही रुको थोड़ा सा जूम करती हूँ इधर देखो ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, तो ये अपनी है जो आपके एलविओलाई से मतलब आपके एल्वियोलाई की आउटर लेयर है ठीक है ओके पीछे आ जाते हैं अरे काफी आगे चले गए थे हम हाँ सो आपको इधर से एक ही एमसीक्यू आता है कि एलवीओलाई का मेम्ब्रेन किससे बना है इट इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम इतना ही एमसीक्यू आता है हाँ अगर ज्यादा से ज्यादा आया तो कितने एलवी होते हैं हमारे लंग्स में 700 मिलियन एल होते हैं यह आप बो, बोल सकते हो लेकिन इधर से एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आता है वो ये है कि एलवीओलाई का फंक्शन क्या है एलवीओलाई में ही हमारा गैस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर जो एलवी है मेन गैस एक्सचेंज होने का काम किधर होता है एलवीओलाई के अंदर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ ओके अब डायफ्राम मतलब क्या होता है एक तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये वाला रिलैक्स्ड कंडीशन है या ये वाला रिलैक्स्ड कंडीशन है हमारा डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप होता है डोम शेप मतलब क्या होता है ऐसे उठा हुआ होता है ठीक है तो जब वो डोम शेप में होता है तो वो रिलैक्स कंडीशन में होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब नीचे की तरफ आता है तब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होता है यानी कि वो काम कर रहा है हम जब इंस्पिरेशन लेते हैं हवा लेते हैं अंदर तो हमारे लंग्स भर जाते हैं हवा से जिसकी वजह से डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है और डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सो so, डायफ्राम ये हमारा एक मिडल सेपरेट लेयर है सेप्टम मतलब क्या होता है एक मिडल लेयर जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को और हमारे चेस्ट को को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम आपस में अलग रख रहा है डायफ्राम के नीचे आपका आपका स्टमक होगा होगा इंटेस्टाइन आपकी किडनी होगी आपका लिवर होगा सब कुछ होगा तो यहाँ के ऑर्गन्स को लंग से अलग रखने के लिए ये बीच में एक पतली सी मेमब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम यस एवरीबडी चलो इधर तक सबको समझ में आया है ये yes, फटाफट से एक थम्सअप दे दो जल्दी 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 Fast. चलो अभी आगे जाते हैं ठीक है ओके सो नाउ कम्स वेरी गुड जितने बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं वेरी गुड जो बच्चे कमेंट में टाइम पास करने आए वेरी गुड तुम लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो मुझे भी प्राउड फील करा रहे हो ऐसे ही टाइम पास करते रहो टाइम पास करने वालों के लिए भी कोई ना कोई जरूर करियर ऑप्शन बनेगा ठीक है चलो सो so अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन वाले पार्ट में तो रेस्पिरेशन का मैंने आपको मीनिंग पहले ही बता दिया व्हाट इज रेस्पिरेशन इट इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एटमोसफियर एंड द लंग्स और जिसकी वजह से अपना फाइनल प्रोडक्ट ए मिलता है बट ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है सबसे पहले ब्रीदिंग ब्रीदिंग मतलब क्या होता है इनहेल और एक्सहेल करना गैस को अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना दिस इज अवर ब्रीदिंग अब गैस जब आप अंदर ले रहे हो तो अंदर लेने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे लंग्स में दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि एल्वियोलाय और गैस के बीच का जो एक्सचेंज है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या आएगा आपके आरबीसी यानी हमारे आरबीसी और हमारे गैसेस के बीच में क्या चेंजेस हो रहे है ब्लड सेल और गैस के बीच में क्या एक्सचेंज हो, हो रहा है और सेलुलर एस्पिरेशन में आपका ATP फॉर्मेशन हो रहा है सो ये चार प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं ये देखो बहुत ही सुंदर सा मेरा फेवरेट डायग्राम है यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रीदिंग बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है ब्रीदिंग बताया जा रहा है वट इज ब्रीदिंग बच्चा लोग ब्रीदिंग इज नथिंग बट इनहेल एंड एक्सहेल इनहेल एंड एक्सहेल तो आप क्या इनहेल कर रहे हो ये देखो ये जो येलो कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर से आप क्या इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और रेड कलर वाला पार्ट जो है उससे आप क्या एक्सहेल कर रहे हो सी ओ टू एक्सेल कर रहे हो सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये कब होता है इसका मैकेनिज्म क्या है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देखो जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आपकी हवा जो है वो आपके नोज से आपके माउथ से माउथ से पेरिंग्स और लैरिंग्स के पास जाती है ठीक है यहाँ पे आपका बेसिक फिल्ट्रेशन होता है जो भी धूल मिट्टी डस्ट होगा वो बाहर फिल्टर हो जाता है उसके बाद आपकी हवा ट्रैकिया में जाती है ट्रैकिया में जाने के बाद इसका फर्दर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है और आपकी जो हवा है वो आपके ब्रोंकाए यानी कि ट्रैकिया से ये जो ब्रांचेस निकल रहे हैं ये ब्रांचेस के अंदर अपनी एयर जाती है और फिर यहाँ से ये हवा जाती है ब्रोंकिल्स के पास और ब्रोंकिल्स से जाती है एल्वियोलाई के पास और फिर जाके एल्वियोलाई से आपका होता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इंटू ब्लड कैपिलरीज तो ये कैसे होता है लेटस अंडरस्टैंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या क्या होता है और एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या क्या होता है सबसे पहले तो इधर दो ये जो हमारा बीच का सेंटर बोन होता है इसको हम बोलते हैं स्टरनम इसको हम क्या बोलते हैं स्टर्नम ओके और ये बीच बीच के जो मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये देखो इन, पहली बात तो इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में समझो कि आर इंटरकोस्टल मसल इंटरकोस्टल मसल हमारे रिब के बोन्स के बीच में जो होते हैं या आपका ऊपर वाला रिब केज या आपका नीचे वाला रिब केज। इनके बीच में जो मसल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और ये आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ठीक है इंटरकोस्टल मतलब दो रिब केज के बीच में कोस्टल यानी कि रिब्स तो दो रिब केज के बीच में जो मसल है उसको बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल लेकिन दो टाइप के मसल्स होते हैं अंदर की तरफ एक और बाहर की तरफ एक ये बाहर वाला इंटरकोस्टल मसल है या अंदर वाला इंटरकोस्टल मसल है जब आप सांस लोगे मतलब जब आप इन्ेल करोगे तो इन्हील करने के टाइम पे क्या क्या होता है ये पार्ट समझ गए तो पूरा समझ में आ जाएगा जब आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट बाहर की तरफ आता है चेस्ट बाहर की तरफ आ रहा है यानी कि रिब केज का बीच का जो डाइट डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे सब इंस्पिरेशन के टाइम पे और इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि देखो आपने सांस ली तो सांस लेने के वजह से समझो पहले आपका इंटरकोस्टल मसल ऐसा था जब आपने सांस ली तो ये चेस्ट बाहर आया चेस्ट बाहर आया तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए ठीक है बाहर वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए बट अंदर वाले मसल्स तो रिलैक्स हो गए ना क्योंकि आपका लंग फूल गया तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं और जब आप एक्सपीरेशन करते हो जब आप एक्सपीरेशन करते हो यानी सांस को बाहर छोड़ देते हो छोड़ो सांस को ऐसे बाहर छोड़ो तो जब आपने सांस को बाहर छोड़ी तो आपके लंग्स अंदर की तरफ चले जाएंगे लंग्स अंदर की तरफ चले जाएंगे तो एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगा यानी आपका जो केज है वो वापिस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और आपका जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सो इट इज अपोजिट आपको ऐसा याद रखना है ठीक है ये देखो सबसे पहली बात तो हम ब्रीदिंग कब करते हैं हम रेस्पिरेशन कब करते हैं हम ब्रीदिंग कब करते हैं हमारे लंग्स के अंदर जब हवा कम है हमारे लंग्स में हमारे लंग्स के अंदर लेस एयर है और हमारे एटमोसफियर में मोर एयर है तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि गैस हमेशा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है गैसेज हमेशा कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर यही चीज़ हमने पढ़ी है ना जहाँ पे ज़्यादा गैसेज होंगे वहाँ के गैसेज लो पार्शल प्रेशर की तरफ़ जाएंगे पार्शल प्रेशर का मतलब होता है Uh, की टोटल जितने भी गैसेस हैं उनमें से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर गैस के बारे में बात कर रहे हैं या दो पर्टिकुलर गैस के बारे में बात कर रहे हैं पार्शियल मतलब क्या होता है हाफ ओके सो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ब्लाबला ब्ला 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 पर हमको ये सारे गैसेस के कुछ लेना देना नहीं है हमको सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हम सिर्फ आधे गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए हम उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर यानी कि हाफ गैसेस का फंक्शन करने के लिए क्या टाइम लगता है तो जहाँ पे आपके गैसेस ज्यादा है, वहाँ से वो गैस लो पार्शल प्रेशर की तरफ जाएंगे तो जब आपके लंग्स के अंदर हवा नहीं होती है आपके एटमोसफियर में जब ज्यादा हवा होती है तो एटमोसफियर की हवा लंग्स के अंदर जाती है ठीक है यानी कि इंट्रा इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इज लो तब आपका क्या होगा इंस्पिरेशन होगा तब आपका क्या होगा इंस्पिरेशन होगा सी एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर तो जब आपका लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा तब आपका इंस्पिरेशन होगा जब आप इंस्पिरेशन करोगे तो अंदर पूरी हवा भर जाएगी अब बाहर ओटो का लेवल कम हो गया है अंदर ओटो का लेवल बढ़ गया है बाहर ओटो का लेवल कम हो गया है तो जब आप सांस लेते हो सांस लेने की वजह से आपका ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और रिब के जैसे बाहर आ जाते हैं सब लोग सांस लो मेरे साथ

तो एक्सपीरेशन के टाइम पे आपका डायफ्राम टुपुक करके फिर से रिलैक्स हो जाएगा ये देखो ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये डायफ्राम फटाक से रिलैक्स हो जाता है आपके गैस बाहर आने लग जाते हैं तो फिर से आपके एटमोस्फियर का जो गैसियस लेवल है वो बढ़ जाता है और लंग्स का जो गैसियस लेवल है वो फिर से लो हो जाता है सो ऐसा साइकिल चलते रहता है कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा तो इनहलेशन एंड एक्सलेशन होते रहता है अब इसके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है मतलब ये जो हवा अंदर आई है ये हवा आपके एलवीओलाई के पास जा रही है फिर एलवीओलाई से वो ऑक्सीजन आपके ब्लड के पास जा रहा है फिर ब्लड से ये टिश्यूज़ के पास जा रहा है और फिर टिश्यूज़ का जो सी है वो फिर से लंग्स के पास आ रहा है और फिर जाके लंग्स आपका एक्सपरेशन कर रहा है तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है ये आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन है क्या है ये आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन है आपने सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा इनहेल क्या होता है एक्सहेल क्या होता है चेस्ट बाहर आता है डायफ़्राम नीचे चला जाता है दैट इज़ इनहेल जब सांस बाहर छोड़ते हो तो चेस्ट अंदर चला जाता है डायफ्राम ऊपर आ जाता है दैट इज एक्सहेल लेकिन ये सिर्फ ब्रीदिंग का पार्ट है उसके बीच में क्या मैकेनिज्म हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में जिनको कन्फ्यूजन है वो लोग एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा हाँ ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वन एक्सपिरेशन एंड वन इंस्पिरेशन मिलके आपका एक ब्रीदिंग होता है ठीक है ओके okay. अब अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में यानी कि आपने सांस ली मतलब आपने इनहेल किया इन्हेल करने के बाद आपकी हवा लंग्स में गई अब लंग्स में जाने के बाद एलवीओलाई में कैसा गैस एक्सचेंज हो रहा है इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो इधर पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है इधर पे लंग्स में जब आप सांस लेते हो जब आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स में हाँ जब आप सांस लेते हो तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे लंग्स में जो एयर आ रही है इस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 1.04 जीरो फोर यानी ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है एम मतलब क्या होता है मिलीमीटर मर्क्यूरी ये यूनिट है ये यूनिट है अपने एयर का ओके मतलब गैसेस का पार्शल प्रेशर ऑफ गैसेस का ठीक है लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और सीओ की मात्रा कितनी है फोर्टी एम एम एच जी सी टू की मात्रा कितनी फोर्टी क्योंकि भाई आप जब हवा लेते हो तो आपके नाक में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेगा और सी टू को बाहर छोड़ देगा जब आप सांस लेते हो तो सारी की सारी गैसेज अंदर जाते हैं सी टू भी अंदर जाता है ओ टू भी अंदर जाता है तो हमारे लंग्स में यानी कि हमारे एलवीओ लाई में ऑक्सीजन कितना है और सी टू कितना है ऑक्सीजन इज वन जीरो फोर एंड सी टू इज फोर्टी एम एम एच जी ठीक है तो कौन ज्यादा है ऑक्सीजन ज्यादा है या सी टू ज्यादा है ऑब्वियसली मैम ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है सीओ टू की मात्रा कम है अब आपका ये जो आरबीसी है बच्चों आपका ये जो रेड ब्लड सेल है इस रेड ब्लड सेल में ये किधर से आया है रेड ब्लड सेल ये टिश्यू से आया है टिश्यू ने सारा ऑक्सीजन खा लिया सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया तो बदले में उसने क्या प्रोड्यूस किया सी टू प्रोड्यूस किया तो टिश्यू में हमको क्या देखने को मिलता है टिश्यू के पास सी टू है कितना CO2 टू है टिश्यू के पास ये देखो इसके पास ऑक्सीजन एकदम कम बचता है ठीक है और इसके पास CO2 टू कितना रहता है फोर्टी फाइव एम एम एच जी ओके CO2 टिश्यू टू के पास हाँ टिश्यू के पास यानी कि अपने आर बी सी के पास फोर्टी फाइव एम एम एच जी है और लंग्स के पास फोर्टी एम एम एच जी है मैं CO2 टू की बात कर रही हूँ तो हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी कि गैस कैसे फ्लो होते हैं फ्रॉम हाई पार्शल प्रेशर तो लो पार्शल प्रेशर गैस कैसे फ्लो होते हैं बच्चों फ्रॉम हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर तो इधर ध्यान से देखो ध्यान से देखो आपका सी टू का पार्शल प्रेशर कहाँ ज्यादा है आपके टिश्यू में ज्यादा है या आपके लंग्स में ज्यादा है टिश्यू में सीओ टू ज्यादा है तो टिश्यू का सी टू किधर जाएगा लंग्स की तरफ टिश्यू का सी टू किधर जाएगा लंग्स की तरफ क्योंकि हाई टू लो ट्रांसफर हो रहा है ठीक है और ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कहाँ ज्यादा है लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है और टिश्यू में ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन टिश्यू से सॉरी लंग्स से टिश्यू की तरफ आएगा और सीओ टू टिशू से लंग्स की तरफ जाएगा आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि गैस हमेशा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर तो आपके लंग्स में सीओ टू का पार्शल प्रेशर कम है लेकिन आपके टिश्यू में सीओ टू का पार्शल प्रेशर ज्यादा है इसीलिए टिश्यू से लंग्स की तरफ गैस जाते हैं ऑक्सीजन का उल्टा है लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है तो लंग्स का ऑक्सीजन आरबीसी में आता है इधर देखो ये आपका लंग्स है और ये आपका टिश्यू है ठीक है तो लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा है इसीलिए ऑक्सीजन लंग्स में जा रहा है और आरबीसी के पास सी टू ज्यादा है तो सीओ टू लंग्स के पास आ रहा है ये देखो ऑक्सीजन आरबीसी के पास जा रहा है ये देखो ये आपका ऑक्सीजन आरबीसी के पास गया और आपका जो सीओ टू है ये आपके लंग्स के पास आ गया ये देखो ये जो अपना सी टू है ये देखो ये सीओ टू अपना किधर आया लंग्स के पास आ गया तो सबको ये वाला पॉइंट समझा है सब लोग फटाफट -फड़ से एक थम्स अप दे दो यस ये देखो ओ टू अंदर जाएगा और सीओ टू बाहर आएगा यस क्योंकि अंदर क्या एक्सचेंज हो रहा है अंदर सीओ टू की मात्रा ज्यादा है लंग्स में सीओ टू ज्यादा है और एयर में सॉरी लंग्स में सीओ टू कम है फोर्टी और टिश्यू में सीओ टू ज्यादा है इसीलिए टिश्यू से लंग्स की तरफ जाता है क्लियर एवरीबॉडी चलो आगे बढ़ते हैं वेरी गुड एक्सीलेंट ओके ये ये देखो ये भी आपका एक एक्सचेंज हो रहा सीओ टू ब्लड से बाहर आ रहा है ओ टू लंग्स से अंदर जा रहा है ठीक है चलो वेरी गुड परफेक्ट ओ टू इन सीओ टू आउट अब इतने सारे डायग्राम्स बताएं कि आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए ओके okay? तो ये था आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाला पार्ट क्या था ये अपना बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाला पार्ट अब देखो इधर पे आपको हमारे गैस कैपेसिटी यानी हमारे लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं ये आपको कंपलसरी कम्पलसरी कम्पल्सरी लर्न करना है दिस दिस इज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर नीट आपको इसमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा ही आएगा टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है जब आप नॉर्मल सांस लेते हो तो कितनी सांस आपने अंदर लिया कितनी सांस बाहर ली उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम एंड दैट इज 500 हंड्रेड ठीक है अब आप मैक्सिमम कितना ज़्यादा इंस्पिरेशन कर सकते हो तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो मैक्सिमम हम कितनी ज़्यादा सांस अंदर ले सकते हैं टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड एम आप कभी अगर योगा करते होगे तो आपने देखा होगा कि सांस हम ज़्यादा अंदर लेते हैं मतलब अगर समझो आप थ्री सेकेंड्स तक अगर इंस्पिरेशन कर रहे हो तो वन पॉइंट फाइव सेकेंड में ही आपका एक्सपिरेशन खत्म हो जाएगा यानी जितना अपना इंस्पिरेशन रहता है उसका हाफ अपना एक्सपिरेशन रहता है हम सांस बाहर जल्दी छोड़ देते हैं लेकिन अंदर लेने के टाइम पे हम आराम से सांस अंदर लेते रहते हैं तो टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल ब्रीदिंग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी जब आप मेडिटेशन करते हो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अनुलोम विलोम आपने सीखा होगा अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं अनुलोम में सांस अंदर लेते हैं और विनुलोम में सांस विलोम में सांस बाहर छोड़ते हैं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी सांस अंदर लेना मैक्सिमम सांस लेना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी मैक्सिमम हवा बाहर छोड़ना इतना करने के बाद भी हमारे सेल्स के बीच में जो गैस बच जाता है जो कभी भी खत्म नहीं होता उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस ये गैस इंसान के मरने के बाद यूज़ होता है थोड़े टाइम तक ऑर्गन्स को जिंदा रखने के लिए सो दैट इज़ अवर डेड स्पेस ओके और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम मैक्सिमम एक्सपीरिएशन आपने किया आपने सारी की सारी सांस बाहर छोड़ दी बट फिर भी ये देखो ये आपका लंग्स uh, है लंग्स के अंदर अपने एल्वियोलाई हैं तो ये दो एल्वीओलाई के बीच में कभी भी टक्कर नहीं होती या एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन आपस में कभी भी ऐसे या एल्वीओलाई से फुगा हुआ है ठीक है अंगूर के जैसा ये एल्वियोलाई कभी भी ऐसे पुचुक करके एक साथ बर्स्ट नहीं होता कोलैप्स नहीं होता क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो हवा इसमें भर जाती है जब आप सांस छोड़ते हो तो इसकी पूरी हवा निकल जाती है लेकिन थोड़ी सी हवा इसमें हमेशा बचती है और उस बची हुई गैस को या बची हुई एयर को हम बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम क्योंकि रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ सो जो थोड़ी सी बची हुई हवा है वो हमेशा हमारे एलव्यूलाई के अंदर रहेगी जो उसको कोलैप्स नहीं होने देगी सो दैट इज नोन एज रेसिड्यूल वॉल्यूम जो हमारे को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है इज दिस क्लियर यानी 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 सांस लेना, volume बाहर छोड़ना, Dead space जो हमेशा ही रहती है कभी गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती है दैट इज वन फिफ्टी एम एल और रेसिडुअल वॉल्यूम यानी मैक्सिमम एक्सपीरेशन करने के बाद भी तो थोड़ा सा गैस बच जाता है जो एलवीओ को बर्स्ट नहीं होने देता कोलैप्स नहीं होने देता दैट इज 1200 वॉल्यूम एमएल अब लंग कैपेसिटी का याद रखो। हमारे लंग की कितनी औकात है सांस लेने की सी, सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो यही मतलब है इसका टोटल लंग कपैसिटी कपैसिटी मतलब क्या होता है हैसियत, हमारे लंग्स कितनी सांस अपने अंदर भर सकते हैं दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा तो हम कितना प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी क्या होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन यानी आपने सांस अंदर ली मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया मैक्सिमम इंस्पिरेशन करने के बाद जब आप एक्सपिरेशन करते हो तो उसमें से रेसिडुअल वॉल्यूम बच जाएगा यानी बारह सौ एम एल हमेशा बचा हुआ रहेगा ठीक है बाकी का बचा जो गैस है वो आपका वाइटल कैपेसिटी होता है यानी कि जब आप मैक्सिमम इंस्पिरेशन करते हो तो एक्सपिरेशन करते वक्त कितना गैस बाहर निकलता है आपका समझो आपने 5800 ml सांस अंदर ली है तो इसमें से आप 1200 निकाल दो ये 1200 आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है तो बचा कितना 4600 फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम एल आपका वाइटल कैपेसिटी है यानी मैक्सिमम मैक्सिमम इंस्पिरेशन करने के बाद maximum expiration कितना कर सकते हैं हमेशा याद रखो लेने के टाइम पे हम सब कुछ ले लेते हैं लेकिन देते वक्त हम हमेशा थोड़ी सी चीजें अपने पास रख लेते हैं जैसे किसान फार्मर्स वो चावल गेहूं उगाते हैं लेकिन वो एक एक दाना नहीं बेचते वो थोड़ा सा चावल थोड़ा सा गेहूं अपने घर के लिए बचा के रखते हैं और बाकी का बेचते हैं तो वैसे ही सांस लेते वक्त हम बहुत सारी हवा अंदर ले लेते हैं लेकिन सांस छोड़ते वक्त हम पूरी हवा एक साथ नहीं छोड़ते थोड़ी सी हवा हम अपने लिए बचा के रखते हैं फॉर्मुला so, क्या आएगा तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है ओके okay. अब देखो अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन मैं बार बार बोल रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है इसमें से हंड्रेड परसेंट एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा ओके okay? नेक्स्ट अब अपना आता है इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आपने हवा अंदर ली आपने इनहेल किया इनहेल करने के बाद आपकी जो एयर है ये एयर आपके लंग्स के पास गई लंग्स से आपने ओ टू एंड सी ओ टू का एक्सचेंज एलवियोलाई में किया ठीक है अब ये एलवियोलाई का ओ टू जो अंदर जा रहा है आर बी सी के पास और सीओ टू जो बाहर आ रहा है आरबीसी से इसका एक्चुअल एक्सचेंज कैसे होता है ये ओटू अंदर कैसे जाता है और सीओ टू बाहर कैसे आता है तो इंटरनल रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो तरीके से होता है एक प्लाज्मा से और एक आर से प्लाज्मा से यानी कि वाटर से वाटर के पास भी क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि वाटर में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर से मतलब समझो एयर में अगर हंड्रेड मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के

मैंने आपको इसीलिए कल बोला था कि थोड़ा सा डिटेल लेक्चर रिवाइज करके आना ओके फिर से बोलती हूँ इंटरनल रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है पहले हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे फिर सी टू के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है थ्री परसेंट वाटर की मदद से और नाइनटी सेवन परसेंट आरबीसी की मदद से ठीक है वाटर की मदद से वो एच टू ओ को ब्रेक डाउन करके वहाँ से आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ओके लेकिन उसके अलावा आरबीसी से कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हमारे आर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन अगर हम हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो हीम मतलब क्या होता है आयरन ग्रुप और ग्लोबिन मतलब क्या होता है प्रोटीन ग्रुप ठीक है आयरन एक हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं चार आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं एक हीमोग्लोबिन के पास चार आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक आयरन यहाँ पे एक आयरन यहाँ पे एक आयन और यहाँ पर एक आयन मॉलिक्यूल यानी फेरस मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा अब इस फेरस की वैलेंसी कितनी है टू यानी कि इसके पास कोई टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा तो इसके पास आता है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो ये एक फेरस एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा दूसरा फेरस दूसरे ऑक्सीजन के साथ तीसरा फेरस तीसरा ऑक्सीजन के साथ और चौथा फेरस चौथा ऑक्सीजन के साथ ठीक है यानी एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है ये देखो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ये मिलके क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ठीक है ओके सो so अभी इधर पे देखो ये ग्राफ में आपको क्या बताया गया है जब आप इनहेल करते हो ठीक है जब आप इन्हेल करते हो तो सांस अंदर आती है ये सांस जब आपके लंग्स में जाती है तो आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है यानी आरबीसी के अंदर क्या जाएगा ऑक्सीजन जाएगा ठीक है आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो इधर देखो आरबीसी के पास क्या है एच बी सीओ टू है ठीक है हमारा हीमोग्लोबिन का है और ये वाला पार्ट अपने लंग्स का है टिश्यू से जो हीमोग्लोबिन आ रहा है टिश्यू से जो हीमोग्लोबिन आ रहा है उसके पास सीओ टू है क्योंकि टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज कर लिया बदले में हीमोग्लोबिन को सीओ टू दे दिया अब ये सीओ टू लंग्स के पास आएगा और लंग्स से ये ऑक्सीजन ले लेगा ठीक है लंग्स से ये ऑक्सीजन ले लेगा और लंग्स को सीओ टू दे देगा मतलब सीओ टू आपके हीमोग्लोबिन से निकल के लंग्स के पास चला गया और लंग्स का ऑक्सीजन किसके पास आ गया आपके हीमोग्लोबिन के पास आ गया सो so, ये कब होता है और कैसे होता है ध्यान से सुनो जब आपके टिश्यूज में जब आपके टिश्यूज पूरा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं तो ये सीओ टू प्रोड्यूस करते हैं सीओ टू का लेवल जब हाई हो जाता है ध्यान से देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ सीओ टू का लेवल जब हाई हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा सी जितना ज़्यादा हाई होगा ये वॉटर के साथ इंटरेक्ट करेगा सी जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये क्या बनाता है कार्बोनिक एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड ये एक एसिडिक कंपोनेंट है यानी कि अपना पीएच क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है क्योंकि एसिड मतलब सेवन से नीचे पीएच और बेस मतलब सेवन से ऊपर पीएच इज दिस क्लियर एवरीबॉडी इज दिस क्लियर एवरीबॉडी ठीक है ओके okay. सो so, फिर से बोलती हूँ हमारे टिश्यू ने हमारे टिश्यू ने पूरा ऑक्सीजन यूज कर लिया ठीक है बदले में इसने क्या छोड़ा सीओ टू छोड़ा तो मतलब टिश्यू में सी ओ टू का लेवल बढ़ रहा है सीओ टू का लेवल बढ़ रहा है जितना ज्यादा सीओ टू का लेवल बढ़ेगा वो वाटर के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये सब किधर हो रहा है बेटा ये सब आपके आर बी सी के अंदर हो रहा है ये सब किधर हो रहा है आरबीसी के अंदर हो रहा है तो आर बी सी के अंदर आपका सी ओ टू जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है ये कार्बोनिक एसिड की वजह से आपका पीएच क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है यानी एसिडिक हो जाता है अब हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक नहीं होना चाहिए अपने ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना है 7.4 अगर ये पीएच एसिडिक हो गया तो ये 7.3 हो जाएगा फिर धीरे धीरे 7.2 हो जाएगा और जितना ज़्यादा ब्लड का पीएच रिड्यूस होगा हमारे बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो धीरे धीरे करके डीएक्टिवेटेड होते जाएंगे एंजाइम्स अगर डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो बॉडी के बाकी के सेल्स फंक्शन करना स्टॉप कर देंगे इसीलिए पीएच ज्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए पीएच ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए तो जैसे ही अपना पीएच 7.2 तक आता है वैसे ही फट्टाक से फट्टाक से हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है ये सीओ टू को लेके लंग्स के पास चला जाता है तो देखो इधर से सीओ टू आपके लंग्स की तरफ आ रहा है लंग्स आपके राइट साइड में लोकेटेड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका हीमोग्लोबिन के साथ जो सीओ टू बाइंड था वो सीओ टू लंग्स के पास चला जाएगा और लंग्स का जो ओ टू है वो हीमोग्लोबिन के पास आ जाएगा तो जब CO2 टू ज्यादा हो जाता है तो आपका ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बोर इफेक्ट ये देखो आपके टिश्यू में CO2 टू ज्यादा हुआ जिसके वजह से एसिड बना हमारे टिश्यू में CO2 टू ज्यादा हुआ जिसके वजह से एसिड बना और एसिड के वजह से आपके ब्लड का पीएच चेंज हुआ ब्लड का पीएच चेंज होने के वजह से आपका जो सीओ टू है वो लंग्स की तरफ जाएगा और लंग्स कहाँ पर है आपके राइट साइड में है तो ये बोर इफेक्ट देखने को मिलता है यानी कि आपका जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग अपना ग्राफ किधर शिफ्ट हुआ ये देखो ग्राफ अपना राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है ये डायग्राम देखो जब सीओ टू का लेवल हाई हो जाता है तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट बोर की स्पेलिंग में आर आता है इसीलिए राइट साइड आप ऐसे याद रख सकते हो अब अब क्या होगा इसके आगे पे अटेंशन एवरीबडी हाँ इसके आगे क्या होगा आपके लंग्स के पास एच बी टू आया इसने लंग्स को CO2 टू दे दिया और लंग्स का जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन ने ले लिया तो अब ये हीमोग्लोबिन वापिस से अपना ऑक्सीजन किधर लेके जाएगा टिश्यू के पास जाएगा क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए तो आपका ग्राफ अब वापिस लेफ्ट साइड जाएगा सीओ टू का लेवल कम हो गया ना आपका सी टू का लेवल कम हो गया क्योंकि सी टू हमने लंग्स को दे दिया तो सी टू का लेवल कम हो गया यानी पी एच आपका बैलेंस हो जाएगा पी एच फिर से हाई हो जाएगा यानी सेवन पॉइंट टू से ये सेवन पॉइंट थ्री और सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट फोर ऐसे ये फिर से बेसिक पीएच हो जाएगा तो आपका ग्राफ फिर से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जब आपका ग्राफ लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट कैसे याद रखोगे लेफ्ट और राइट बोर की स्पेलिंग में आर लेटर आता है तो यानी कि राइट साइड ग्राफ शिफ्ट हो रहा है और हेल्डेन की स्पेलिंग में एल वर्ड एल लेटर आता है यानी कि ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है और ये सब कब और कैसे होता है सी ओ टू की वजह से अगर सी ओ टू ज्यादा हुआ तो कार्बोनिक एसिड बनेगी कार्बोनिक एसिड है ना एसिड है यानी पीएच लो हो रहा है और पीएच अगर लो होगा तो ब्लड का पीएच चेंज होगा जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी चेंज हो जाएगी सो इज दिस क्लियर टू एवरी वन ये पॉइंट सबको समझ में आया है फटाफट -फड़ से बता दो यस नो बोलो यस 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 सबको समझ में आया ठीक है परफेक्ट परफेक्ट चलो बहुत स्मार्ट हो आप लोग मेरे सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं येस अब इधर पे देखो ये पार्ट आपको समझना है आपका सबसे पहली बात तो हीमोग्लोबिन कभी 100 परसेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा ही नहीं क्योंकि 3 परसेंट ऑक्सीजन वाटर से मिल रहा है सिर्फ 90 परसेंट ऑक्सीजन आपको एयर से मिल रहा है तो हीमोग्लोबिन सिर्फ नाइन्टी ऑक्सीजन नाइन्टी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा यानी हंड्रेड परसेंट रेयर है सैचुरेशन मतलब क्या होता है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसको सैचुरेशन बोलते हैं ठीक है तो हंड्रेड परसेंट सैचुरेशन कभी होगा ही नहीं ये पहली बात है। सिर्फ 95 से 97 होता है और का bonding, okay? तो जब, जैसे -जैसे, आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन डिक्रीज होगा यानी ऑक्सीजन की लेवल कम होते जा रही है तो सीओ टू की लेवल बढ़ते जाएगी यस एवरीबडी ओके सो इधर ग्राफ में आपको क्या दिखाई देता है कि 30 एम एम पे आपका CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होने लग जाता है क्योंकि पीएच एसिडिक हो गया है एसिडिक पीएच होने की वजह से हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए तो वो ग्लाइकोलिसिस करने लग जाते हैं ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट है डायफॉस्फोग्लिसरेट तो ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे होने लग जाता है जिसकी वजह से बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये सब होता है आपके बोर इफेक्ट में यस और हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है सब नॉर्मल रहता है आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है आपका पी ब, बेसिक रहता है सब नॉर्मल रहता है ये yes, एवरीबडी बस इतना ही याद रखना है ठीक है इतना ही आपको समझना है इस पर्टिकुलर पार्ट में से बोर इफेक्ट यानी ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ओके जब आपका सी टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और हेल्डेन इफेक्ट यानी ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है जब आपका सी टू का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ओके कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग मतलब क्या होता है वो बोलते हैं ना जैसे आप लोगों को कैसे अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती है मम्मी बोलती है पढ़ाई कर ले उससे करियर बनेगा लेकिन आपको मोबाइल में अपना ज़िंदगी बर्बाद करना है तो कोई भी गलत चीज़ जो होती है वो हमको बहुत जल्दी अच्छी लगती है उसको बोलते हैं पॉइजनिंग यानी टॉक्सिक जैसे आजकल के रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होते हैं यस yes, एवरीबडी वैसे हमारे हीमोग्लोबिन में भी कुट कुट के चर्बी भरी हुई है उसको अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसको ख़राब चीज़ ही अच्छी लगेगी जिससे सेल को ड जिस जिससे सेल की डेथ हो जाएगी वही चीज़ हमारे हीमोग्लोबिन को अच्छी लगती है तो कार्बन मोनॉक्साइड से हमारी डेथ हो जाती है और कार्बन मोनॉक्साइड ही हमारे हीमोग्लोबिन को अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यानी अगर, अगर आप हीमोग्लोबिन के सामने आप ऑप्शन रखो कि आपको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और कार्बन मोनॉक्साइड दिया जा रहा है तो ढाई बार हीमोग्लोबिन कार्बन मोनॉक्साइड ही चुनेगा ऑक्सीजन को वो कभी नहीं चुनेगा बोलते हैं ना जब किसी की किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो टोटली totally मैड हो जाता है वैसे अपना हीमोग्लोबिन है तो so, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए टू फिफ्टी टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ठीक है ओके अभी इधर पे ना आपको एक एमसीक्यू आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है और वो क्या है देखो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन ठीक है हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोक्साइड के साथ बाइंड होता है और हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोक्साइड के साथ बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पर हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो अपना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये हीमोग्लोबिन के प्रोटीन वाला जो पार्ट है ना उस प्रोटीन के एंड टर्मिनल के साथ अटैच होता है अब कुछ लोगों को ये एकदम बाउंसर जाएगा सो लेट मी टेल यू दिस इन अ प्रॉपर वे हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसका जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ये प्रोटीनिक पार्ट है क्या है ये प्रोटीन प्रोटीन किससे बनता है अमीनो एसिड की चेन से बनता है एक सिंगल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा इधर एच इधर आर इधर पे आपका सी ओ एच कार्बॉक्सलिक ग्रुप और इधर पे आपका एन एच टू ग्रुप तो ऐसे पूरा अमीनो एसिड का चेन रहेगा ठीक है तो हर एक प्रोटीन में जो स्टार्टिंग एंड होता है दैट इज एन टर्मिनल और जो लास्ट वाला एंड होता है कार्बॉक्सलिक एसिड वाला इसको बोलते हैं सी टर्मिनल ठीक है इसको क्या बोलेंगे सी टर्मिनल तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो हीमोग्लोबिन के एन टर्मिनल पे अटैच हुआ है यानी अमीनो साइड में अटैच हुआ है इसीलिए हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं इसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्लियर एवरीबडीबडी ठीक है चलो ओके यस ऑल राइट तो ये था आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सीओ टू के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो जैसे कि हमने देखा ऑक्सीजन तीन परसेंट अपने को वाटर से मिलता है और नाइनटी सेवन परसेंट आरबीसी से मिलता है वैसे ही CO2 टू ट्रांसपोर्ट करने के तीन तरीके हैं सेवन परसेंट सी ओ टू आपके वाटर से ट्रांसपोर्ट होगा सेवेंटी परसेंट सी ओ टू आपके बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और बाकी का बचा ट्वेंटी थ्री परसेंट सी ओ टू आपके आर बी सी की मदद से ट्रांसपोर्ट होगा ठीक है आपको एक फेमस एम सी क्यू आता है वेरी फेमस एम सी क्यू कि हम सी ओ टू कैसे रिमूव करते हैं तो उसका एक ही आंसर है ऑप्शन में एक ही आंसर दिया रहता है विद द हेल्प ऑफ बाई कार्बोनेट आयन्स किसकी मदद से सी टू रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय कार्बोनेट आय ओके मैक्सिमम सीओ टू बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में रिमूव होता है तो ये मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ ठीक है डायग्राम की मदद से इसको हम एकदम शॉर्ट में देखेंगे देखो ये आपका टिश्यू है टिश्यू के पास जो सीओ टू बन रहा है ये सीओ टू हमको लंग्स को देना है ये अपना लंग्स है ठीक है दिस इज अवर प्लाज्मा प्लाज्मा से फिर लंग्स के पास जाएगा पहले तो हम प्लाज्मा में सी टू छोड़ते हैं तो ये अपना टिश्यू है टिश्यू से अपने प्लाज्मा में सीओ uh, टू आता है ओके okay? और प्लाज्मा में ही आपका आर भी प्रेजेंट रहता है सो दिस इज अवर रेड ब्लड सेल तो सेवन परसेंट सी टू आपके प्लाज्मा के वॉटर के साथ बाइंड करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है पर यह कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है इसीलिए ये फटाक से स्प्लिट हो जाती है आपके बाय कार्बोनेट आयन और आपके एच प्लस में बट यहाँ पे प्रोसेस बहुत स्लो होता है सेम प्रोसेस आपके आरबीसी के अंदर होता है बट आरबीसी के अंदर स्टोरी कुछ अलग है क्यों अलग है क्योंकि आरबीसी के अंदर आपके पास एक स्पेशल एंजाइम है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्राइज। ये कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या करती है ये फास्ट प्रोसेस करती है यानी जल्दी जल्दी कार्बोनिक एसिड बनाती है कार्बोनिक एसिड फटाक से अनस्टेबल कंपाउंड है इसलिए स्प्लिट होके ये कार्बोनेट आयन बनाता है और एच प्लस आयन रिलीज करता है अब ये देखो इस H प्लस की वजह से क्या होगा आपकी एसिडिटी इंक्रीज होगी लेकिन ये एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज ना हो इसीलिए हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है वो इस H प्लस के साथ बाइंड हो जाता है और ब्लड को बफर कर देता है तो देखो हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन की दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सबसे पहली बात ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है यानी कि ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और इसका दूसरा फंक्शन ये ब्लड का बफरिंग एजेंट है ये क्या है ब्लड का बफरिंग एजेंट है यानी कि जब भी हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक होगा हीमोग्लोबिन जाके एच प्लस के साथ बाइंड करेगा और ब्लड को बफर कर देगा यानी ये पीएच को बैलेंस करके रखेगा ठीक है सो आपका सीओ टू आया सीओ टू आपके वाटर के साथ बाइंड हुआ कार्बोनिक एसिड बना कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होके आपका बाईकार्बोनेट आयन रिलीज हुआ अब ये बाइकार्बोनेट आयन आपके आरबीसी से बाहर चला जाता है ठीक है और बाहर का जो सॉल्ट है बाहर दो टाइप के सॉल्ट होते हैं हमारे प्लाज्मा में एन हो सकता है या के हो सकता है तो इसमें से जो क्लोराइड आयन है वो आरबीसी के अंदर आ जाएगा ओके और आ, अपने आरबीसी का जो पोटेशियम आयन है आ, पोटेशियम नहीं जो कार्बोनेट आयन है वो बाहर आ जाएगा तो ये कार्बोनेट आयन सोडियम के साथ बाइंड करके सोडियम बाई बनाता है और ये क्लोराइड अंदर जाके आपका एसिड बनाता है बट इधर पे पीएच रिड्यूस हो रहा है पीएच रिड्यूस हो रहा है यानी कि एसिडिक कंडीशन हो रही है एसिडिक कंडीशन को बचाने के लिए हमारा फिर हीमोग्लोबिन पिक्चर में आता है हीमोग्लोबिन आके हमारे ब्लड को बफर कर देता है ठीक है तो हमने क्या किया इधर पे हमने सी टू को लेके उसको बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में सेल के बाहर फेंक दिया बस यही करना था ये इतने सारे पंचायत में हमको यही करना था हमने सी टू को लिया उसको कार्बोनिक एसिड बनाया उसके कार्बोनेट आयन बना और कार्बोनेट आयन को सेल के बाहर फेंक दिया अब ये जो कार्बोनेट आयन है ये जाएगा आपके लंग्स के पास ये देखो ये जो कार्बोनेट आयन आया है यहाँ पे एन ए एच सी ओ थ्री जो बना है ये एन ए एच सी ओ थ्री आपके जाएगा सीधा वापिस से ये स्प्लिट होगा एन ए एच सी ओ थ्री वापिस से आपके आर बी सी में आएगा और आर बी सी से आके ये वापिस से आपके स्प्लिट हो जाएगा सी ओ टू और एच टू ओ में और फिर ये चला जाएगा लंग्स के पास और लंग्स के पास जो एयर है वो आ जाएगा आर बी सी के अंदर तो इधर देखो आपका हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो वो क्या बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो वो क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो इधर पे ना आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है इधर पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम सीओ टू कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में आरबीसी के पास क्या क्या होता है आरबीसी के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होती है और उसके पास जिंक होता है जो एक टाइप का को एनजाइम है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को एक्टिवेट करता है ठीक है और जब आपका कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है तो ये आयन कार्बोनेट आयन जब बाहर जाता है तो अंदर क्लोराइड शिफ्ट होता है क्लोराइड शिफ्ट यानी कि प्लाज्मा का जो क्लोराइड है वो आरबीसी के अंदर आएगा इसको हम बोलते हैं हेमबर्गर फिनोमिनन क्या बोलते हैं इसको हम हैम बर्गर फिनोमिनन प्लाज्मा हीमोग्लोबिन आरबीसी कंफ्यूजन है प्लाज्मा हीमोग्लोबिन और आरबीसी बेटा प्लाज्मा मतलब आपके बॉडी का फ्लूइड अपने बॉडी में जो भी लिक्विड है उसको प्लाज्मा बोलते हैं ये देखो ये देखो ये जिसको कंफ्यूजन है मतलब उस बच्चे ने ये चैप्टर जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है ये आपका ब्लड है ब्लड में आपका 55% प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है और ये आपका आरबीसी है आरबीसी सेल्स है और प्लाज्मा आपका लिक्विड है इस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके ये देखो इसमें वाटर प्रेजेंट होता और है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट्स इट तो प्लाज्मा में आरबीसी प्रेजेंट है ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको ऐसे दो अलग अलग लेयर दिखाई देती है इज दिस क्लियर एवरीबडी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इधर गया अरे वन सेकेंड हाँ सो so, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है समझ में आया सबको कि आपके आरबीसी के अंदर कौन सी एंजाइम होती है जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होता है क्लोराइड इफेक्ट क्या है हेल्डेन इफेक्ट क्या है हेम्बर्गर फिनोमिनन क्या है ओके okay? और आपका बायकार्बोनेट आय कैसे फॉर्म हो रहा है और हमारा हीमोग्लोबिन कैसे बफरिंग एजेंट का, का काम करता है ठीक है बाकी का बचा हुआ जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके रेड ब्लड सेल से कार्बोनिक एसिड बनके वो CO2 को रिमूव कर देता है सेम ये भी आपके रेड ब्लड सेल्स में ही हो रहा है वो, वो कार्बोनिक एसिड बना कार्बोनिक एसिड से बाई कार्बोनेट आयन बना बाई कार्बोनेट आयन वापिस से स्प्लिट हुआ और आपका सीओ टू लंग्स के पास चला गया सो दिस इज हाउ योर एक्सचेंज ऑफ सीओ टू टेक्स प्लेस और लास्ट में अपना आता है सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है जिसको रिपीटेशन चाहिए वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देखो आपको रिपीटेशन मिल जाएगा देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है आपका ऑक्सीजन जब आपके ग्लूकोज के साथ मिक्स होता है तो आपको मिलती है एनर्जी और ये एनर्जी से हम क्या करते हैं अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और जब एनर्जी फॉर्म होती है तो सीओ टू भी रिलीज होता है ना आपने C6H12O6 लिया ये देखो आपने ग्लूकोज लिया और ऑक्सीजन लिया तो इससे आपको CO2 और एनर्जी मिले यानी कि 38 एट ए मॉलिक्यूल्स मिले अब इधर पे ना एक क्वेश्चन पूछा गया है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि एक ए मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना हीट चाहिए होता है कितना हीट चाहिए होता है सो अप्रोक्सीमेटली सेवन किलो कैलोरीज इसको अंडरलाइन करके लिखो ये इंपॉर्टेंट है येस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके जिसको रिपीटेशन चाहिए वीडियो पीछे करके देखो अब आता है अपना नेक्स्ट पार्ट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का मैं डायरेक्ट आपको एम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग यानी हमारा हार्ट हमारा ब्रेन और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कनेक्टेड है हमारे ब्रेन के दो सेंटर्स हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं एक पॉन्स वेरोली और एक मेडुला ऑबलोंगेटा ठीक है ये देखो पॉन्स वेरोली के पास दो सेंटर है एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर एक एपन्यूस्टिक सेंटर न्यूमोटेक्सिक सेंटर का काम है एक्सपीरेशन कंट्रोल करना जो इंस्पिरेशन को स्टॉप करता है मतलब देखो जब आप सांस लेते हो सांस लेने के वजह से आपका लंग्स पूरा भर गया है जब आपका लंग्स भर जाता है तो उसके वजह से आपका जो हार्ट है हार्ट का जो आयोरटा है यह हार्ट को सिग्नल देता है कि लंग्स पूरा भर चुका है अगर आपका लंग्स पूरा भर गया है तो आपका जो हार्ट से वेगस नर्व निकलता है ये वेगस नर्व सिग्नल लेके जाता है आपके पॉन्स वेरोली के पास तो आपका पॉन्स वेरोली क्या करता है ये एक्सपीरेशन करना स्टार्ट कर देता है यानी कि इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है और हम सांस बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है जब आप पूरी सांस बाहर निकाल दोगे तो अब वापिस से हमको ऑक्सीजन चाहिए यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो आपका फिर एपन्यूस्टिक सेंटर काम हो जाता है स्टार्ट हो जाता है काम करना यानी कि देखो न्यूमोटेक्सिक सेंटर एक्सपीरेशन करता है एप न्यूस्टिक सेंटर इंस्पिरेशन करता है सो so, दोनों अलग काम करते हैं इसीलिए इन दोनों को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक क्या बोलते हैं इसको हम एंटागोनिस्टिक यानी दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं एक इंस्पिरेशन कर रहा है एक एक्सपीरेशन कर रहा है ताकि लंग्स फट ना जाए यह हमारे लंग्स को बर्स्ट होने से बचाता है ओके okay? सो so, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जब आपका सीओ टू का लेवल बढ़ने लग जाता है आप देखो पानी के अंदर नाक को बंद करके रखते हो सांस रोक के रखते हो तो उस टाइम पे आपका सी टू का लेवल बढ़ते जा रहा है जितना ज्यादा सी टू बढ़ेगा ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड बनाएगा जिसके वजह से पीएच रिड्यूस होगा जिसके वजह से सिग्नल आपके हार्ट के पास जाता है और आपका एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है ये इंस्पिरेशन करना स्टार्ट करता है इंस्पिरेशन करने के लिए सिग्नल दिया जाता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा को मेडुला ओब्लोंगेटा के पास दो ग्रुप प्रेजेंट है एक डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये दोनों क्या करते हैं आपके ये डायरेक्ट लंग्स के इंटरकोस्टल मसल से अटैच्ड है तो इंटरनल इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल्स क्या करेगा जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आपका सांस जो है वो अंदर भरने लग जाती है यस एवरीबडी सो दिस इज हाउ अवर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड तो इधर से एमसीक्यू क्या आता है कि ब्रीदिंग सेंटर किधर पे लोकेटेड है पॉन्स वेरोली और मेडुला ओब्लोंगेटा में पॉन्स वेरोली के पास दो सेंटर कौन से हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर एंड एपनिक सेंटर न्यूमोटेक्सिक सेंटर का काम है एक्सपीरेशन कंट्रोल करना एप्नोस्टिक सेंटर का काम है इंस्पिरेशन कंट्रोल करना मेडुला ऑब्लोंगेटा डायरेक्ट आपके लंग्स के इंटरकोस्टल मसल से अटैच है एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन करता है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये आपके ब्रीदिंग की रिदम बना के रखता है यानी सांस लेना छोड़ना लेना छोड़ना ये रिदम मेंटेन करके रखता है इज दिस क्लियर एवरीबॉडी यस ओके ठीक है नेक्स्ट सम मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स ये पार्ट डिलीटेड है डायरेक्ट आपको ये टेबल करना है और इस टेबल में से एम फी साइमा ये बहुत बार एम सी क्यू पूछा गया है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम फी साइमा मतलब क्या होता है इसमें आपका एलवी ओलाई ब्रेक डाउन हो जाता है और ये ज़्यादातर स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से होता है सो so, आपको सारे ही डिजीज पड़ने हैं ओके okay, इधर पे आपको सिम्टम्स कॉजेज और ट्रीटमेंट दिया हुआ है बट एम्फीसाइमा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सो so वो आपको याद रखना है और ये लास्ट का जो है देखो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पूछा और लंग डिसऑर्डर्स पूछा तो ये ऑक्यूपेशनल नहीं है यह किसी ना किसी बैक्टीरिया या किसी ना किसी पॉजिटिव एजेंट की वजह से हो रहा है सिर्फ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये दो ऑप्शन है सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस ये इंडस्ट्रियल डैमेज के वजह से होता है बाकी ये सब आपके एक्सटर्नल पॉजिटिव एजेंट्स के वजह से होता है ठीक है निमोनिया किसके वजह से होता है एस्थमा किसके वजह से होता है एस्थमा इज बिकॉज ऑफ एलर्जी एंड निमोनिया इज बिकॉज ऑफ बैक्टेरिया और वायरल इन्फेक्शन और एम्फीसाइमा एलवीओ ब्रेकडाउन के वजह से होता है सो so ये आपको याद रखना है ठीक है ओके आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इज डिलीटेड वेंटिलेटर टर डिलीटेड डायरेक्ट आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो आपके लिए ये शॉर्टकट वाला टेबल बनाया है ये टेबल अगर आप याद कर लोगे इट विल बी मोर देन सफिशियंट इसमें से एम आता ही आता है एक एम पूछा गया था कि पैरन कायमा किधर गया हाँ पैरन कायमल रेस्पिरेशन किस में देखा जाता है फ्लैट वर्म्स में राउंड वर्म्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं बॉडी वॉल्स की मदद से पैरामोशियम कैसे रेस्पिरेशन करता है साइक्लोसिस करके सो so, आपको ये पूरा टेबल याद रखना है इसमें से एक एमसीक्यू आ सकता है ठीक है ओके okay, हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है सर्कुलेशन इन एनिमल्स वाला पार्ट देखो मैं ये जो टेबल्स वगैरह बनाया है ना मैंने यही सब आपको थ्योरी में दिया गया है आप थ्योरी रीड करोगे तो आपका टेबल का कंटेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा यस yes, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आपने बायोलॉजी का ईमानदारी से अच्छे से वन शॉर्ट लेक्चर्स देखा तो आपको थ्योरी भी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिर्फ आपने दो बार तीन बार रीडिंग कर लिया इट इज़ मोर देन सफिशियंट यस अस्थमा पर भी क्वेश्चन आते हैं ओके okay? ऑल राइट संभाजी पवार किधर लिखा है न्यूमोटेक्सिक सेंटर न्यूमोटेक्सिक सेंटर पॉन्स वेरोली में है और एप न्यूस्टिक सेंटर भी आपका पॉन्स वेरोली में ही है ये देखो इधर पे थ्योरी देखो न्यूमोटेक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन पॉन्स एप न्यूस्टिक सेंटर इन द मेड्यूलाइज एंटागोनिस्टिक टू द न्यूमोटेक्सिक सेंटर नो योर एप न्यूस्टिक सेंटर इज ऑल्सो लोकेटेड इन द पॉन्स वेरोली इसका फंक्शन देखो इसका लोकेशन मैटर नहीं करता ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका बेसिकली पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑबलोंगेटा दोनों इतना ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है कि एक बार के लिए आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपका एपन्यूस्टिक सेंटर किधर लोकेटेड है इधर पे आपका एपन्यूस्टिक सेंटर रहता है यानी इट इज प्रेजेंट नॉट प्रॉपरली इन पॉन्स नॉट प्रॉपरली इन मेड्यूला दोनों के बीच में प्रेजेंट है पर उसका फंक्शन क्या है वो याद रखो न्यूमोटेक्सिक सेंटर का फंक्शन है एक्सपीरेशन करना और एपन्यूस्टिक का सेंटर का काम है इंस्पिरेशन करना दोनों अपोजिट फंक्शन करते हैं दोनों एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर एवरीबडी ओके चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो वन टू थ्री ओके चलो नेक्स्ट चलो मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो यस नाउ कम्स सर्कुलेशन इन एनिमल्स एनिमल सर्कुलेशन दो टाइप के होते हैं एक ओपन सर्कुलेशन और एक क्लोज सर्कुलेशन इसमें से एक सीधा सीधा आपको एमसीक्यू आता है कि ओपन सर्कुलेशन कौन से एनिमल्स में देखने को मिलता है सो ओपन सर्कुलेशन हमको कौन से एनिमल्स में देखने को मिलता है इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है आर्थ्रोपोड एंड मल्यूस का सिर्फ यही एमसीक्यू आएगा ओपन सर्कुलेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड्स एंड मल्यूस का फाइलम में येस yes, एवरीबडी इनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता इनके पास कोई सर्कुलेटरी uh, वेसल्स नहीं होते ठीक है क्लोज सर्कुलेशन ये देखो ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कोई वेसल इन्वॉल्व नहीं है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किधर देखने को मिलता है हमको ये हमको मैमल्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है इसमें आपके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके वजह से आपका जो बॉडी का फ्लूइड है वो आपके सेल तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो क्लोज सर्कुलेशन आपको मॉल्यूस का एनालिड्स और हायर एनिमल्स लाइक मैमल्स वगैरह में देखने को मिलेंगे सो तो इसमें से आपको एमसीक्यू क्या आता है कि ये किस में देखने को मिलता है सो तो ये हायर वर्टिब्रेट्स एनालिड्स और मैमल्स uh, में देखने को मिलता है इसमें आपका ब्लड वेसल्स की मदद से फ्लो होता है ये डायरेक्ट सेल के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है ठीक है क्लोज सर्कुलेशन दो टाइप का होता है इसका भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है एक है सिंगल सर्कुलेशन एक है डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा आपका जो ब्लड है वो हार्ट के पास एक ही बार आएगा देखो फिश का एग्जाम्पल लेते हैं अपनी जो फिश होती है ये फिश के जो गिल्स होते हैं गिल्स की मदद से वाटर अंदर आता है ठीक है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाता है और फिर ये ऑक्सीजन आपका जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बचता है तब ये हार्ट के पास आता है फिर हार्ट से वापस ये गिल से बाहर चला जाता है यानी कि फिश के हार्ट के पास डी ब्लड आ रहा है इसीलिए फिश के हार्ट को हम क्या बोलते हैं वीनस हार्ट और इधर पे ब्लड एक ही बार हार्ट के पास आया इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता डबल सर्कुलेशन में पहले आपका देखो आपने इनहेल किया इनहेल करके आपने हवा अंदर ली ये हवा आपके लंग्स के पास गई लंग्स से आपने ऑक्सीजन लिया ये देखो लंग्स का जो ऑक्सीजन लिया ये गया आपने पल्मोनरी वेन्स के पास यानी लंग्स की वेन्स के पास अब ये जो ऑक्सीजन है ये जाएगा अपने हार्ट के एक एट्रियम में एक चेम्बर में फिर उधर तो बचा? बचा कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस हार्ट के पास जाता है मतलब अच्छी चीज आएगी तो भी हार्ट के पास जाएगी और खराब चीज आएगी तो भी वो हार्ट के पास जाएगी तो ये सीओ टू फिर से हार्ट के पास गया और फिर ये जाता है आपके लंग्स के पास प्यूरिफाई होने के लिए यानी हार्ट के पास दो बार ब्लड आता है एक बार प्योर ब्लड एक बार डिऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन क्योंकि इसमें ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है किधर जा रहा है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी टू बॉडी तो इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड टू द लंग्स ये लंग्स के पास जा रहा है ब्लड लंग्स से रिलेटेड है आपका पल्मोनरी वर्ड तो पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी जब आपका ब्लड लंग्स के पास जा रहा है और सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि जब आपका ब्लड बॉडी के पास जा रहा है सो दीज आर दी टू डिफरेंस बिटवीन योर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन और ये डबल सर्कुलेशन का एग्जांपल है सो डबल सर्कुलेशन में दो टाइप का सर्कुलेशन होता है सिस्टमिक एंड पल्मोनरी यानी हार्ट के पास दो बार ब्लड आता है इज दिस क्लियर एवरीबडी देखो ये सारी चीजें कम से कम मैं पांच बार अन अकेडमी पे अपने चैनल पे वन शॉर्ट डिटेल लेक्चर महा रिविजन ऐसे कम से कम चार से पांच बार हम ये सेशन कर चुके हैं ठीक है यस yes, इसीलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है ओके अब अपना आता है ब्लड सर्क्यू सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस तो ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम में आ, हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में ठीक है अच्छा मुझे बताओ होम्योस्टेसिस क्या होता है हमारा जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये होम्योस्टेसिस कंट्रोल करते हैं होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है हमारी बॉडी का पी और टेम्परेचर बैलेंस करके रखना येस एवरीबडी तो देखो सबसे पहली बात तो ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है ह्यूमंस का जो ब्लड है उसका पी एच है अप्रोक्सीमेटली फाइव लीटर ब्लड हर एक एवरेज एडल्ट में प्रेजेंट होता है और हमारा ब्लड मीसोडर्म टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है मीसोडर्म टिश्यू से मीसोडर्म लेयर से ओके okay? हमारा ब्लड दो कंपोनेंट से बना है 55 परसेंट प्लाज्मा और 44 परसेंट ब्लड सेल्स प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका सॉल्ट प्रोटीन और वाटर बस प्लाज्मा में सेल्स नहीं होते हैं प्लाज्मा में ब्लड सेल्स नहीं होते हैं प्लाज्मा के पास सिर्फ सॉल्ट और प्रोटीन और वाटर प्रेजेंट होता है और आपका ये जो फॉर्म एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं ब्लड सेल तो इसमें आपका आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स सब आ जाता है इज दिस क्लियर एवरीबडी ठीक है यस yes, यस yes, जिसका डेटा ज्यादा जा रहा है वो बाद में सेम लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी देख सकता है ठीक है ओके okay, तो अब देखो हम इधर पे अलग अलग ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो अलग अलग ब्लड सेल्स क्या मैंने इधर पे आपको एक शॉर्ट में टेबल बना के दिया है ये टेबल अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइड्स क्योंकि इनके पास एरिथ्रोस शुगर होती है जो फोर कार्बन की शुगर है ठीक है फिर पढ़ेंगे ल्यूकोसाइड्स के बारे में जिनको बोलते हैं डब्ल्यू और फिर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में जो हमारे थ्रोम्बोसाइड्स हैं तो एरिथ्रोसाइड्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये अपने लिवर और स्प्लीन से बनते हैं देखो बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके स्प्लीन से भी आरबीसी बनता है लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हमारे बोन मैरो से आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बोन मैरो के सेल्स को हम क्या बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट ओके ऑल राइट right. फिर उसके बाद आता है आपका डब्लू बी सी डब्लू बी सी किधर से बनता है हमारे लिम्फ नोड से और हमारे स्प्लीन से स्प्लीन हमारी बॉडी का डस्टबिन है जहाँ पे हमारे सारे के सारे डेड सेल्स जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और पूरे डिस्कार्ड हो जाते हैं ठीक है और फिर बारी आती है प्लेटलेट्स की प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या मेगा करियोसाइट्स ये भी हमारे बोन मैरो से बनते हैं ठीक है आरबीसी के शेप के बारे में बात करते हैं आरबीसी अपना सर्कुलर है बाय कॉन्केव है मतलब इधर से भी ऐसा इधर से भी ऐसा ऐसे जेम्स की गोली के जैसा तो इट इज सर्क्युलर इट इज बाय कॉन्केव इट इज रेड कलर्ड एंड इट इज ई न्यूक्लियटेड आर के पास न्यूक्लियस नहीं होता सिर्फ कैमल्स और लामा का जो आर है सिर्फ उनके पास न्यूक्लियस होता है ह्यूम्स के आर में न्यूक्लियस नहीं होता ठीक है डब्ल्यू के पास न्यूक्लियस होता है लेकिन ये कलरलेस होते हैं इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है सो दे आर कलरलेस और इनका शेप भी फिक्स नहीं होता ये अमीबॉइड शेप के होते हैं कैसे भी अंडा गुंडा इनका शेप होता है क्योंकि ये ब्लड में कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं प्लेटलेट्स दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉल दे आर ओवल शेप्ड और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है पिगमेंट्स की अगर बात करें तो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट है और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट कैसे बनता है विटामिन बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड की मदद से जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन पिगमेंट रहेगा उतना ज़्यादा हमारे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा ल्यूकोसाइट्स के पास कोई पिगमेंट नहीं है प्लेटलेट्स के पास कोई पिगमेंट नहीं है पिगमेंट का काम क्या होता है ये जो अपना हीमोग्लोबिन है इसका क्या क्या काम है ये गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये ब्लड को बफर भी करने में हेल्प करता है अब ये काउंट का वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मेल्स में कितने RBC होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली फाइव पॉइंट एट मिलियन पर एमएम क्यूब फीमेल्स में फोर पॉइंट थ्री टू फाइव टू मिलियन पर एमएम डब्ल्यू बी सीज की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू बी सीज डब्लू बी सीज का एवरेज काउंट कितना बताया गया है फाइव थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड पर एम एम क्यूब और प्लेटलेट्स आपके लैक्स में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स याद रखो हमको बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं यानी इंटरनल डैमेज या इंटरनल टिश्यू इंजरी को ये रिपेयर करते हैं ओके लाइफ स्पैन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बॉडी के जितने भी ब्लड सेल्स हैं सबका एक एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है जैसे हम अमर नहीं है वी आर नॉट इमोर्टल हम सब मरते हैं वैसे ही हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी मरते हैं और रिसाइकिल होते हैं तो आरबीसी हर वन ट्वेंटी डेज में रिसाइकल होता है बोन मैरो से नया आर बनते रहता है डब्ल्यू बी से बीस दिन में रिसाइकल होता है और प्लेटलेट्स पाँच से नौ दिन में रिसाइकल होते रहते हैं मतलब पुराने सेल्स मरते जाएंगे और न्यू सेल्स बनते जाएंगे यस एवरीबडी ओके फिर उसके बाद आता है आपका एरिथ्रोसाइट्स का नंबर हमेशा याद रखो किसी भी नाम के आगे अगर आपको पीनिया वर्ड दिखाई दिया मतलब डिक्रीज ठीक है तो अगर एरिथ्रोसाइट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। अगर ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हो रहे हैं टेम्प्ररी इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर अनकंट्रोल इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे ब्लड कैंसर विच इज ल्यूकेमिया प्लेटलेट्स के इंक्रीज के बारे में हमको कुछ बताया नहीं है ठीक है हाँ अगर डिक्रीज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आरबीसी जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया डब्ल्यू जब डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं लूकोपिनिया और थ्रोम्बोसाइट्स जब डिक्रीज होते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पिनिया यानी कि डिक्रीज हो जाना ठीक है ओके okay, फंक्शन क्या क्या है आरबीसी का क्या फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल का गैस ट्रांसपोर्ट करता है पीएच मेंटेन करके रखता है ब्लड की विस्कोसिटी यानी उसकी थिकनेस मेंटेन करके रखता है उसके पास स्पेशल एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस जिसके वजह से हमारा कार्बोनिक एसिड जल्दी फॉर्म होता है येस एवरीबडी ओके फिर उसके बाद आता है अपना ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स के बारे में हमको क्या बताया गया है कि ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म करने में हेल्प करते हैं यानी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं फिर उसके बाद आता है अपना प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या करते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं मतलब कभी भी कहीं पर भी अगर चोट लग गई तो वहाँ पर ये क्लॉट फैक्टर बना देते हैं मतलब समझो ऐसा आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो यहाँ पर ऐसा क्लॉटिंग कर देंगे ताकि आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए सो ये प्लेटलेट प्लग या थ्रोम्बस बना देते हैं ठीक है थीके? एरिथ्रोसाइट्स एक ही टाइप का होता है इसके कोई फर्दर सब टाइप्स नहीं होते हैं डब्ल्यू बी सी दो टाइप के होते हैं एंड एंड यस ओके और फिर उसके बाद अपना आता है प्लेटलेट्स भी आपके एक ही टाइप के होते हैं उसमें कोई टाइप्स नहीं होते तो रेड रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया देखो एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है आरबीसी का फॉर्मेशन अगर इंक्रीज इन एरिथ्रोसाइट्स बोला है तो पॉलीसाइथेमिया आएगा ये आपका इंक्रीज होता है ठीक है और फॉर्मेशन को हम बोलते हैं पोइसिस ठीक है poices, तो हमने ऑलमोस्ट पूरी थ्योरी कवर कर ली है ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है समझो कि आपको ब्लड सेल्स काउंट करने हैं तो ब्लड सेल्स काउंट करने के लिए हम हिमैटोक्रिट टेक्निक करते हैं हिमैटोक्रिट मतलब क्या होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ आर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड यानी कि ये जो मैंने बताया था ना आपको ब्लड में टोटल आरबीसी कितना है और बाकी का बचा कचरा कितना है इस टेक्निक को बोलते हैं हिमाटोक्रेट इसको हम क्या बोलते हैं हिमाटोक्रेट यानी आरबीसी का वॉल्यूम टोटल ब्लड से कितना है दैट इज नोन एज हिमाटोक्रेट ओके व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो व्हाइट ब्लड सेल्स दो टाइप के होते हैं ग्रेन्युलोसाइड्स एंड अग्रेन्युलोसाइड्स ग्रेन्युलोसाइड्स के पास अलग अलग फॉस्फेट और पोटेशियम और स्टार्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अग्रनुलोसाइड्स के पास कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं. इधर पे शॉर्ट में आपको फंक्शन बताया है आप इधर से इसके फंक्शन याद रख सकते हो न्यूट्रोफिल का मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस और इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीलोब्ड ओके इोसिनोफिल का मेन काम होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन के साथ फाइट करना और ये होता है बायलोब्ड यानी दो न्यूक्लियस है इसके पास दो दो लोब्स का न्यूक्लियस है बेसोफिल्स का काम होता है एलर्जिक रिएक्शन में रिएक्ट करना और यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट बायलोब न्यूक्लियस देखने को मिलता है ठीक है ओके okay. अग्रैन्युलोसाइट्स में जो दो सेल्स आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट लिफोसाइट का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना यानी बी सेल टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स बनाना और मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यू बी सी है इसके पास किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना यानी ये बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन को किल करता है ठीक है so, सो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं देखो टोटल सेवेंटी टू परसेंट में से न्यूट्रोफिल सेवेंटी परसेंट है इओसिनोफ़िल वन परसेंट है और बाकी आपका बेसोफिल है आपका न्यूट्रोफिल माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए हम न्यूट्रल डाई यूज करते हैं इओसिनोफ़िल इओसिन डाई से करते हैं और बेसोफिल मिथिलिन ब्लू डाई से यूज करते हैं ठीक है न्यूट्रोफिल का मेन काम है फेगोसाइटोसिस ईसिनोफिल का काम है डिटॉक्सिफिकेशन और बेसोफिल का मेन काम है एलर्जिक कंडीशन में रिएक्ट करना और औरट करना लिम्फोसाइट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इनके पास बहुत बड़ा ई सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है कैसा न्यूक्लियस होता है ई सेंट्रिक न्यूक्लियस ई सेंट्रिक मतलब क्या होता है सेंटर से दूर हो जाना ठीक है और ये क्या करते हैं ये इम्यून रिस्पॉस क्रिएट करते हैं यानी कि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्लस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दिखाते हैं यानी ये बी सेल्स फॉर्म करते हैं और टी सेल्स फॉर्म करते हैं मोनोसाइट थ्री टू फाइव परसेंट प्रेजेंट है किडनी शेप होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस कौन सा पर्टिकुलर सेल्स फैगोसाइटोसिस करने में इन्वॉल्व है यस yes, सो so कौन सा सेल्स फैगोसाइटोसिस करता है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट बस ठीक है ओके okay, ये ग्रैनुलोसाइड्स को हम पी सेल्स भी बोलते हैं पीएमएन मतलब क्या होता है पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स पॉली मतलब मेनी मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस तो ये जितने भी डब्ल्यू बी सी हैं सबका न्यूक्लियस अलग शेप का है इसीलिए इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोसाइट्स ठीक है चलो ये सब हमने पढ़ लिया अब आता है अपना थ्रोम्बोसाइट्स तो थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में भी हमने पहले देख लिया थ्रोम्बोसाइट्स अगर डिक्रीज हुए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बोसाइट्स का मिनिमम नंबर हमको पता है थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है समझो आपको टिश्यू इंजरी हुई और ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है तो यहाँ पे आपका ये थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स रिलीज होंगे और ये आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे प्लेटलेट प्लग बना के ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है वो हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे इंट्रेंसिक और इंटर एक्सट्रेंसिक बात समझो इंटरनली कोई ब्लड वेसल आपकी डैमेज हो गई समझो आप चल रहे हो चलते चलते आपके पैर में टेबल लग गया तो उधर पे देखो हरा हरा दाग हो जाता है यानी उधर पे आपका ब्लड वेसल फट गया है तो अब उस ब्लड वेसल इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं यस yes, डी उस इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो हमारे बॉडी में इंट्रेंसिक पाथवे जनरेट होता है जिससे आपका ब्लड वेसल जो डैमेज हुआ है वो डैमेज की वजह से बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है और समझो अगर बाहर से आपको कोई चोट लगी आजकल के मजनू निब्बा निब्बी करते हैं ना एक दूसरे के लिए नस वस काट लेते हैं तो समझो कि ऐसे ही किसी ने कोई बेवकूफी दिखाई और उसने अपना टिश्यू को इंजरी दे दिया ठीक है तो so, अब एक्सटर्नली उसकी ब्लीडिंग को अगर रोकना है अगर थोड़ी सी चोट लगी है जैसे ड्रामा के लिए अगर किसी ने सिर्फ ऊपर ऊपर से स्किन काटा है नस नहीं कटी है स्किन काटा है तो वो ब्लीडिंग नॉर्मली भी रुक जाएगी अगर तुम पूरा हाथ काटोगे तो तुमको सिर्फ भगवान बचा सकता है ठीक है तो so, एक्सटर्नली अगर हमको हल्की सी चोट लगी है तो बाहर से अगर हमारे टिश्यू को डैमेज हुआ है तो हमारा टिश्यू से क्या बनता है हमारे ब्लड में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स दोनों का एक ही काम है ये दोनों क्या करते हैं ये फैक्टर टेन को जो इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करते हैं फैक्टर टेन क्या है अपना दिस इज अवर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम व्हाट इज अवर फैक्टर टेन प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है ये फैक्टर टेन को एक्टिवेट करता है और फैक्टर टेन एक्टिवेट होकर आपका प्रोथ्रोम्बिन pro प्रोटीन को थ्रोम्बिन बनाता है और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है आपका जो लिक्विड फाइब्रेनोजेन है ये जो लिक्विड फाइब्रेनोजेन है बच्चों ये लिक्विड फाइब्रेनोजेन को सॉलिड फाइब्रिनोजेन यानी कि इनसोल्यूबल फाइबर में कन्वर्ट कर देता है जिसके वजह से आपके चोट के ऊपर एक ऐसे जाली जैसा मैश uh, जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है तो आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है दिस इज हाउ योर क्लॉटिंग टेक्स प्लेस तो इधर पे आपको बहुत बार एमसीक्यू में फैक्टर टेन का नाम पूछते हैं वॉट इज फैक्टर टेन तो देखो इधर दिया गया है फैक्टर टेन इज नथिंग बट योर प्रोथ्रॉमिनेज एनजाइन येस एवरीबडी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ई मीन नेक्स्ट टॉपिक अब आता है अपना हार्ट का कॉन्सेप्ट क्या आएगा अपना हार्ट का कॉन्सेप्ट ठीक है यस ऋतुजा कैल्शियम आयोज कैल्शियम आयन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्रो थ्रॉमिन इज एनजाइम टू गेट एक्टिवेटेड कैल्शियम आयन एक टाइप का अपना को एंजाइम को फैक्टर का काम करता है ठीक है ओके नाउ कम्स uh, our हार्ट तो हार्ट के बारे में ठीक है वैलेंटाइंस डे के अलावा भी कभी कभी हमको अपने हार्ट की रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए तो हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है इट इज़ प्रेजेंट इन देंटर ऑफ अवर लंग्स मतलब हमारे चेस्ट के सेंटर कैविटी में प्रेजेंट है हमारे हार्ट का जो एपेक्स है यानी कि जो लोअर कॉर्नर है वो राइट right साइड की तरफ सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्टेड है इसीलिए लेफ्ट साइड का लंग्स छोटा होता है और राइट साइड का लंग्स बड़ा होता है ठीक है ओके okay. सो so, हमारा हार्ट सेंटर में लोकेटेड है सेंटर लोकेशन को हम बोलते हैं मिडियास्ट उसका वेट कितना है अप्रॉक्सीमेटली टू फिफ्टी ग्राम्स इन फीमेल्स एंड थ्री हंड्रेड ग्राम्स इन मेल्स और हमारा हार्ट हमारे फिस्ट के साइज़ का होता है ठीक है ओके okay. अब अगर हम हार्ट के बाहर की लेयर की बात करें यानी कि हमारे हार्ट का बाहर का जो लेयर है ये देखो ये आपका मेन हार्ट है मैं हार्ट की बात नहीं कर रही करी हार्ट के बाहर के पेरिकार्डियम की बात कर रही करी पेरी मतलब क्या होता है आउटर या साइड वाला लेयर पेरिकार्डियम की अगर हम बात करें तो वो दो मेन लेयर से बनता है एक है आपका आउटर फाइबरस पेरिकार्डियम और एक है इनर सीरस पेरिकार्डियम ठीक है आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम का एक ही काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इनर सीरस पेरिकार्डियम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये एम अभी जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें से एक शिफ्ट में था कि आपका सीरस पेरिकार्डियम कौन से सेल से बनता है इट इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम ठीक है एलवियोलाइ का मेबरन स्क्वाइमस एपिथेलियम से बना है और सीरस पेरिकार्डियम स्क्वामस एपिथेलियम से बना है तो सीरियस सीरस पेरिकार्डियम आगे जाके दो लेयर में डिवाइड हो गया है ये देखो ये आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम है इसका काम है सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आपका जो सीरस पेरिकार्डियम है ये ये वन और ये टू, ये आउटर वाले को बोलेंगे पराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम और ये अंदर वाला ये विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम इन दोनों के बीच में ये जो फ्लूइड है ना इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड और इसका क्या फंक्शन होता है बेटा ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये शॉक एब्जॉर्बेंट होता है यानी कि ये हमारे हार्ट को फ्रिक्शन नहीं होने देता उसको आपस में टकराने से बचाता है फ्रिक्शन को स्टॉप करता है सो पेरिकार्डियल फ्लूड इज शॉर्क एब्जॉर्बर उसके अलावा ये जो अंदर वाली लेयर है हमारे पेरिकार्डियम की जो सबसे इनर लेयर है ये हमारे हार्ट की फर्स्ट लेयर है मतलब इसको आप एपिकार्डियम भी बोल सकते हो सो so, ये हार्ट की फर्स्ट लेयर है फिर सेकेंड है मायोकार्डियम और थर्ड है एंडोकार्डियम ठीक है तो हमने बाहर के लेयर्स के बारे में पढ़ा अब हम इंटरनल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे अब आता है अपना हार्ट वॉल मतलब अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो so, हार्ट का सबसे आउटर लेयर है एपिकार्डियम इसका भी काम है बेसिक प्रोटेक्शन फिर मायोकार्डियम जो मेन मसल वाला पार्ट है एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वापीथिलियम मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स ये मसल्स के नाम आपको याद रखने एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना मैम एमसीक्यू बताओ एमसीक्यू बताओ इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं हाँ तो देखो इधर पे आपका एपिकार्डियम स्क्वामस एपिथिलियम से बना है आपका मायोकार्डियम कार्डियक मसल से बना है जो कि नॉन स्ट्राइटेड मसल होते हैं और आपका एंडोकार्डियम आपके स्क्वामस एपिथिलियम से बना है सो so, मायोकार्डियम जो है ये अपना मेन कार्डियक मसल है जो मेन फंक्शन दिखाने वाला है ठीक है एपिकार्डियम का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन मायोकार्डियम का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट और एंडोकार्डियम का फंक्शन होता है बेसिक ओपनिंग्स इधर से निकलती है ठीक है देखो अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ते हैं आप मुझे पता है आपका ये फेवरेट डायग्राम है फेवरेट टॉपिक है इसमें से एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनो एक तो कोरोनरी साइनस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोनरी साइनस किधर से निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिगामेंटम आर्टोरियस क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं आता है ठीक है इधर देखो सब लोग ध्यान से देखो आपका जो कोरोनरी साइनस है वो आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है

आपके राइट right एट्रियम में किधर ओपन हो रहा है ये राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है तो एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका राइट right वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या क्या होता है देखो राइट right एट्रियम के पास डी ब्लड है एक मिनट में दूसरा मार्कर यूज करती हूँ राइट एट्रियम के पास डी ब्लड है राइट right वेंट्रिकल के पास डी ब्लड है लेफ्ट एट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो आयोरटा निकलता है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक आयोरटा क्या बोलते हैं इसको हम सिस्टमिक आयोरटा और राइट वेंट्रिकल से आपका जो आयोरटा निकलता है ये ग्रीन वाला इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आयोरटा क्या बोलते हैं इसको हम पल्मोनरी आयोरटा और आयोरटा से आगे जो आर्टरीज निकलती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स के पास लेके जाती है फिर लंग्स उसमें ऑक्सीजन भरता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पल्मोनरी वेन्स के पास आता है और फिर ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट फिर से बोल रही हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या पूछा जा सकता है कोरोनरी साइनस किधर ओपन हो रहा है राइट right एट्रियम में कैसे ओपन हो रहा है थबेशियन वॉल्व की मदद से और लिगामेंटम आर्टेरियोसम किधर प्रेजेंट होता है ये देखो लिगामेंटम आर्टेरियोसम आपके पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक आयरोटा के बीच में ओपन होता है ये देखो ये आपका क्या है

ठीक है ओके okay. अब आता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या आता है अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट तो इंटरनल स्ट्रक्चर में एमसीक्यू के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है ये देखो सबसे पहली बात इसमें आपको वॉल्व के नाम याद रखने बहुत जरूरी है कि कौन से वॉल्व किधर ओपन होते हैं ठीक है थबेशियन वॉल्व कोरोनरी साइनस यूस्टेशियन वॉल्व तो सबसे पहले आपको वॉल्व का नाम याद रखना है उसके बाद आपका आ, ये फोरामेन और फोसा ओवेलिस ये आपको याद रखना है और वेंट्रिकल्स का जो लेयर है ये आपको याद रखना है बस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में से यही तीन चीजें याद रखनी है तो मैं आपको ये बता देती हूँ देखो यहाँ पे देखो सब लोग ध्यान से किधर गया हाँ आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी बॉडी से जमा होके तीन जगह से आता है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है लेकिन किधर किधर से आता है सुपीरियर वेना कावा से इन्फीरियर वेना कावा से

तो ियर का ई और यूस्टेशन का ई ऐसा सा ट्रिक लगा के आप याद रख सकते हो वॉल्व का नाम याद रखना कंपलसरी है ठीक है सो तो इनफीरियर वेना कावा का यूस्टेशन वॉल्व है कोरोनरी साइनस का सी एस टी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ऐसा सी एस टी कोरोनरी साइनस का थबेशियन वॉल्व ऐसा आप याद रख सकते हो कोरोनरी साइनस किससे ओपन हो रहा है थबेशियन वॉल्व से ओपन हो रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फिर आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पास तीन कस्पिड वॉल्व होते हैं कस्पिड वॉल्व यानी कप शेप तो ये भी आपको याद रखना है कि किधर पे तीन है और किधर पे दो है तो राइट साइड में आपके तीन कस्पिड वॉल्व है और इनको हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व ठीक है फिर आपके राइट वेंट्रिकल से आपका जो पल्मोनरी ट्रंक ओपन होता है इसके पास भी वॉल्व है और इन वॉल्व को हम क्या बोलते हैं सेमी सेमिलूनर वॉल्व तो हमने कौन से कौन से वॉल्व के नाम याद किए यूस्टेशियन थबेशियन

हमने वॉल्व के नाम देख लिए सबने देख लिया यस yes, एवरीबडी सबने वॉल्व के नाम देख लिए ओके okay. मैं आपको सीईटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें बता रही हूँ ठीक है अब इधर पे ध्यान से देखो मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ ठीक है मस्क्यूलर रिज वर्ड आया मतलब मैम हमको बहुत कंफ्यूजन होता है हमारा सर फट जाता है मस्क्यूलर रिजेसलायतो ठीक है पैपिलरी मसल्स नक्की कुछ नीडे मंजे का है। आप लोगों का जिंदगी का ये जो इतना बड़ा कंफ्यूजन है उसको हम क्लियर कर लेते हैं ठीक है ओके देखो आपके वेंट्रिकल्स में साइड साइड में ऐसा जो कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बना है आपके वेंट्रिकुलर वॉल में ये जो कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं मस्क्युलर रिजेस तो इसके लिए दो नाम है एक है कॉलम ने कारने या इसको आप बोल सकते हो प्रबैक्यूले कारने ठीक है ये आपका कॉलम ने कारने ट्राबाइक्यूले कारने है सबको पहला लेबल क्लियर हुआ यस एवरीबडी सबको पहला लेबल क्लियर हुआ चलो नेक्स्ट अब बारी आती है कॉर्डे टेंडिने की तो ध्यान से देखो सब लोग ध्यान से देखो आपका ये जो कॉर्डे टेंडिने कॉर्ड मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में सर्कल चैप्टर सबने पढ़ा है ये बीच में से जो लाइन जाती है इसको हम डायामीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम डायामीटर बोलते हैं और ये जो ऐसी छोटी सी लाइन होती है जो सेंटर से पास नहीं होती इसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं हैं कॉर्ड करेक्ट तो इधर देखो ये जो आपका और है इधर से जो ऐसे धागे जैसा ये कॉर्ड निकल रहा है ये ऐसे जो बीच बीच में ऐसे धागे जैसा कॉर्ड निकल रहा है इसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडीने सबको कॉर्डे टेंडिन क्लियर हुआ इज दिस क्लियर रिज का मतलब होता है ब्रिज लाइक -like स्ट्रक्चर सबको कॉर्डेट एंडिने क्लियर हुआ यस yes, अब बारी आती है मसल्स की भैया ये कौन से गांव से आया है और ये किधर प्रेजेंट है मैं आपको बताती हूँ आपके जो कॉलम ने कारने होते हैं, उनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर होता है ये देखो ऐसा ये होते हैं आपके पैपुलरी मसल्स ये जो पर्पल वाला मैंने ड्रॉ किया है ना दीज आर योर पैपुलरी मसल्स तो आपका पैपुलरी मसल्स जब आपके कॉर्डेट एंडिने को खींचता है तो आपका ऊपर से कस्पिड वॉल्व ओपन हो जाता है इज दिस क्लियर एवरीबडी इज दिस क्लियर एवरीबडी आपका पैपिलरी मसल्स जब आपके कोर्डे टेंडीने को खींचेगा तो आपका कस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा तो आई होप कि मैंने आपके इस चैप्टर का ये वाला पार्ट का कंफ्यूजन फॉर के लिए क्लियर कर दिया है ठीक है अब इसके बाद एमसीक्यू में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो हार्ट के अपने चार चेंबर्स है इसमें से कौन से चेंबर का वॉल्व सबसे ज्यादा थिक होता है सबसे ज्यादा मोटा होता है तो अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये बाकी किसी भी चेंबर से थ्री टाइम्स ज्यादा थिक है क्यों थिक है मैम क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसको ब्लड पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है अभी सोचो इतना सा हार्ट और इतनी बड़ी बॉडी खली जैसी तो इतनी बड़ी बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर भी उतना आएगा तो वो प्रेशर संभाल के रखने के लिए वेंट्रिकल्स का लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो थ्री टाइम्स ठीक होता है सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू श्रद्धा वाघ बेटा वीडियो को पीछे करके देखो ठीक है यस yes? चलो फटाफट से सब लोग मुझे हार्ट दे दो मैंने बहुत डिफिकल्ट टॉपिक आपको एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है जल्दी जल्दी अब लास्ट में बचा अपना ये फोसा ओवेलिस और फोरामैन ओवेल वाला पार्ट ठीक है तो फोसा ओवेलिस मतलब क्या होता है बचपन में आपने सुना होगा कि, कि किसी के दिल में छेद है यानी कि आपके राइट एट्रियम और आपके लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो डायरेक्ट ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं फोरामैन ओवेल लेकिन ये ओपनिंग सिर्फ फीटस तक रहती है जैसे ही फीटस अडल्ट बन जाता है वैसे ये होल जो है ये क्लोज हो जाता है और ये होल शिफ्ट होके इधर सुपीरियर वेना कावा के नीचे आ जाता है तो इस होल को बोलते हैं फोरामेन ओवेल और जब ये क्लोज हो जाता है तो इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस इज दिस क्लियर एवरीबडी इज दिस क्लियर एवरीबडी चलो अब अपना नेक्स्ट आता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है ओके सेंट्रैक्शन मतलब मतलब होता है यस येबडी मतलब yes, तो अपना हार्ट जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है तो इसको बोलते हैं वन हार्ट बीट इसको क्या बोलते हैं वन हार्ट बीट वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इसको बोलते हैं वन हार्ट बीट एक मिनट में अपना हार्ट कितनी बार बीट करता है सेवेंटी टू सेवेंटी टू टाइम्स एक मिनट में अपना दिल सत्तर से बहत्तर बार धड़कता है ठीक है इसको बोलते हैं हार्ट रेट कि एक मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़का दैट इज कॉल्ड एज हार्ट रेट जब आपका वन हार्ट बीट होता है तो आपके हार्ट से कितना ब्लड पंप होता है सेवेंटी एम तो जब आप सेवेंटी हार्ट बीट करोगे तो कितना ब्लड पंप होगा सेवेंटी टू सेवेंटी टू एम एल और समझो आपने सेवेंटी टू हार्ट बीट्स किया तो ये इधर ये इधर एक्स इज इक्वल्स टू सेवेंटी टू इन टू हाँ सो आपका हार्ट एक हार्ट बीट में सेवेंटी टू एम एल ब्लड पंप हुआ तो सेवेंटी टू हार्ट बीट्स में कितना एम एल ब्लड पंप होगा अप्रोक्सीमेटली फाइव जीरो फोर जीरो मतलब अप्रोक्सीमेटली फाइव लीटर ब्लड कितना लीटर ब्लड पंप होता है अप्रोक्सीमेटली फाइव लीटर ब्लड पंप होता है तो इसको हम बोलते हैं देखो एक हार्ट बीट में जो ब्लड पंप किया उसको बोलते हैं जितना ब्लड पंप किया इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट इसको क्या बोलते हैं टोटल ब्लड इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला आपको याद रखना है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट का वॉल्यूम क्या है फॉर्मूला क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम यानी और हार्ट रेट यानी कि आपका कितनी एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है तो दिस इज योर कार्डियक आउटपुट समझो कोई पेशेंट दिया है जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम एट्टी एम है और उसका हार्ट रेट फिफ्टी हार्ट बीट पर मिनट है तो so, इसका कार्डियक आउटपुट बदल जाएगा तो so, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको स्ट्रोक वॉल्यूम अलग दिया रहता है हार्ट रेट अलग दिया रहता है तो आपको सीधा फॉर्मूला डाल के मल्टीप्लाई करना है ठीक है ओके okay. हाँ अभी देखो कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ते हैं अभी यहाँ पे आपको दो टिश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए नोडल टिश्यू ठीक है ओके आपके हमारे हार्ट में हमारा हार्ट मायोजेनिक है मायोजेनिक मतलब क्या होता है वो अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है नाइन्टी परसेंट इट इज़ मायोजेनिक टेन परसेंट इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ठीक है हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं नाइन्टी परसेंट के बारे में तो हमारे हार्ट में जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट है ये नोडल टिश्यूज़ के अलग अलग टाइप्स है अलग अलग पार्ट्स है पहला नोडल टिश्यू आपके राइट right एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है उसको बोलते से नोड एसएनोड एनोड में जो इम्पल्स जनरेट होता है ये आपके लेफ्ट एट्रियम के पास जाता है और आपके एवी नोड के पास जाता है एवी नोड भी आपका एक नोडल टिश्यू है लेकिन ये राइट right एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है और एसो नोड राइट एट्रियम के राइट right कॉर्नर में प्रेजेंट है ये दोनों का डिफरेंस याद रखो ठीक है अब इधर पे एक चीज जो आपको याद रखनी है ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर यानी ये हार्टबीट बीट स्टार्ट करता है ये हार्ट की स्पीड को स्टार्ट करता है और एवी नोड को हम क्या बोलते हैं पेस सेटर यानी ये हार्ट बीट स्लो करता है यह हार्ट बीट को आगे ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है तो जो भी वाइब्रेशंस आए ऐसे नोड से एवी नोड के पास अब ये एवी नोड से किधर जाएंगे ये वाइब्रेशन अपने बंडल ऑफ हिस के पास फिर बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस निकलती हैं और ये ब्रांचेस आपके वेंट्रिकल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ये जो फाइबर्स है इन फाइबर्स को हम बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स जो इस वेंट्रिकल को जो इस वाइब्रेशन को वेंट्रिकल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं जिसके वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पुचुक करके ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है ठीक है ओके हाँ ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट में कभी कभी मरमरिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और ये मरमरिंग साउंड या हिसिंग साउंड कब प्रोड्यूस होता है जब हमारे हार्ट के वॉल्व डिफेक्टिव होते हैं तो तब पता चलता है कि हमारे हार्ट का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ये देखो हमारा हार्ट मायोजेनिक है मतलब वो उस खुद को कंट्रोल करता है बट टेन परसेंट एक्टिविटी हार्ट की कौन कंट्रोल करता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है अभी वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे एकदम सिंपल है कुछ डिफिकल्ट नहीं है इधर पे इधर देखो एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे एट्रिया सिस्टोल एट्रिया डायस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल और बीच में आ जाएगा जॉइंट डायस्टोल ठीक है ये देखो हमारे हार्ट के जो चार चेंबर्स हैं ये आपका राइट एट्रियम या आपका लेफ्ट एट्रियम या आपका राइट वेंट्रिकल या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपका राइट एट्रियम के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी आपका लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है तो ये दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है

और धीरे धीरे ये अपना ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोरटा को देंगे तो वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के के लिए लिए 0.3 का टाइम लगता है पूरा वेंट्रिकल्स खाली करने ठीक है चलो पूरा वेंट्रिकल्स खाली हो गया अब वेंट्रिकल का भी कुछ फंक्शन नहीं है ये भी एम है और ये भी एम है दोनों के पास भी ब्लड नहीं है तो आप दोनों क्या करेंगे रिलैक्स करेंगे दोनों क्या करेंगे रिलैक्स करेंगे मतलब मतलब अब आपका वेंट्रिकल भी क्या करेगा रिलैक्स करेगा 0.5 पॉइंट सेकेंड के लिए ये रिलैक्स करता है तो इसका भी टोटल टाइमर हुआ 0.8 पॉइंट एट अब बीच में ऐसा टाइम आता है देखो आपका एट्रिया इधर रिलैक्स कर रहा है और इधर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो दोनों के बीच में ना 0.4 पॉइंट सेकेंड्स का कॉमन टाइम आता है दोनों के बीच में 0.4 पॉइंट सेकेंड्स का कॉमन टाइम आता है इधर देखो ये आपका 0.1 पॉइंट सेकेंड एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन फिर ये 0.8 पॉइंट एट सेकेंड्स सेवन सेकेंड्स एट्रिया का रिलैक्सेशन ये 0.3 पॉइंट थ्री सेकंड्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन ये 0.5 पॉइंट फाइव सेकंड वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो कॉमन 0.4 पॉइंट फोर सेकंड है इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल इसको हम क्या बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल और फिर जैसे ही आपका एट्रिया का रिलैक्सेशन खत्म हो गया एट्रिया फिर से कॉन्ट्रेक्शन करेगा बट वेंट्रिकल का तो अभी तक रिलैक्सेशन चल ही रहा है तो इधर से आपका नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाएगा इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल तो एग्जाम में क्या आता है वो बताती हूँ मैं आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है

हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ठीक है ऑल दी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है ऑल दी वेन सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं और कैपिलरीज का दोनों फंक्शन होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ठीक है आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना वेंस का काम होता है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना क्योंकि ये डी ब्लड लेके आ रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है ठीक है और कैपिलरी दोनों के बीच का लिंक होता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हा? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टरीज के आउटर लेयर पतली होती है बट मिडल लेयर उसकी बहुत मोटी होती है वेन्स का आउटर लेयर मोटा होता है और मिडल लेयर थिन होता है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टरी का जो ल्यूमन है ये जो कैविटी है ये नैरो है मतलब छोटी कैविटी है और ये कैविटी आपकी बड़ी है ठीक है आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं होते क्योंकि इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इनके पास कोई ढक्कन नहीं होता और इनके पास वॉल्व प्रेजेंट होता है कैपिलरी के पास इतनी सारी लेयर्स ही नहीं उसके पास एक ही लेयर है और उसकी कैपिलरी की जो लूमन होती है वो स्मॉल होती है ठीक है आपके आर्टरी के पास वॉल्व नहीं है वेन्स के पास वॉल्व है क्योंकि डी ब्लड बैक फ्लो नहीं होना चाहिए और कैपिलरी के पास सेमिनोलान वॉल्स भी एबसेंट होते हैं हाँ प्रेशर देखो आर्टरी का प्रेशर हाई होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहे हैं तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है वेन्स का प्रेशर लो होता है क्योंकि आराम से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे ठीक है ब्लड फ्लो इज रैपिड थ्रू आर्टरी ब्लड फ्लो इज रैपिड थ्रू आर्टरी मतलब आपके आर्टरी से ब्लड फटाफट ट्रांसपोर्ट होता है वेन से ब्लड धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि वो डी ब्लड कैरी कर रहा है सो इस पूरे पैराग्राफ में से इस पूरे टेबल में से आपको ये वाला पार्ट याद रखना है ये सेकेंड वाला पार्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट याद रखना है दैट्स इट आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज वे, uh, में से ठीक है हाँ पोर्टल वेन क्या होते हैं ये आपके लिवर से कनेक्टेड होते हैं मतलब देखो हम जो कुछ भी खाना खाते हैं दारू पीते हैं जो कुछ भी खाते हैं तो वो जो जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है वो अपने लंग्स या हार्ट में जाने से पहले लिवर के पास उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है और फिर लिवर से वो अपने हार्ट के पास आता है मतलब हम हार्ट को डायरेक्ट दारू वाला ब्लड नहीं दे सकते ना नहीं तो हार्ट को अटैक आ जाएगा मतलब बेचारा गंदा हो जाएगा तो जो भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो आपके लिवर में होता है तो लिवर से जो वेन्स और आर्टरीज निकलती है उनको हम बोलते हैं पोर्टल वेन्स क्या बोलते हैं उनको हम पोर्टल वेन्स ये भी सेम अपने बाकी के नॉर्मल आर्टरीज जैसे होते हैं बट ये लिवर से डिटॉक्सिफिकेशन करके आते हैं इसीलिए इनको हम बोलते हैं पोर्टल ओके ये देखो पल्स पल्स मतलब क्या होता है आपका ब्लड जब फ्लो होता है तो वो अचानक से जब एकदम हाई स्पीड में फ्लो होता है तो उधर जो बीट जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं पल्स हमारी बॉडी में बहुत सारे पल्स पॉइंट्स होते हैं ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं मतलब ये पल्स पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं आपके कान के पास पल्स पॉइंट्स होते हैं जब आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है तो कान की नस फड़फड़ाने लगती है आपके फेस के पास पल्स पॉइंट्स होते हैं आपके नेक के पास पल्स पॉइंट्स होते हैं सीआईडी वाले चेक करते हैं इधर पे कभी कभी नस फड़फड़ाने लगती है आपके ब्रेकियल आर्टरी के पास पल्स पॉइंट्स होते हैं आपके हाथ रिस्ट के पास होते हैं फिर आपके इनर थाई रीजन में होते हैं आपके घुटने के पीछे होते हैं आपके पैर में होते हैं सो ये अपने पल्स पॉइंट्स है जिसके नेम्स आपको याद रखने हैं पल्स पल्स रेट 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 इज इक्वल टू योर हार्ट अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो इसको बोलेंगे टैकी कार्डिया और अगर पल्स रेट नॉर्मल से कम है तो उसको बोलेंगे ब्राइडी कार्डिया दिस इज एमसी क्यू क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ मैंने पूरे चैप्टर में आपको बार 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 आ, क्या क्या एम सी क्यू आ सकता है वो सब बताया है सो so, प्लीज अच्छे से देखो और टिक करके रखो अब बारी आती है ब्लड प्रेशर की तो इसमें से एमसीक्यू के लिए क्या पूछा जाता है ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं बट कभी कभी पूछ लेते हैं तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम स्पिगमो मेनोमीटर यूज करते हैं ब्लड प्रेशर का फॉर्मुला क्या है सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि अपने वेंट्रिकल्स का सिस्टोल जब होता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितना प्रेशर लगाते हैं और फिर वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हो जाते हैं तो कितना प्रेशर रहता है Pressure. Pressure ोगे तो बीच का जो प्रेशर आता है फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है वॉट इज पल्स प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इस चैप्टर के एंड में अभी ये सेशन एंड हो जाएगा दस मिनट में तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी इसीलिए आप ध्यान से सुनो ठीक है ओके समझो अगर आपका ब्लड uh, प्रेशर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ठीक है तो उसके रीजन क्या क्या होते हैं एक है आर्टेरियोस्लोसिस आर्टेरियोस्लोसिस मतलब क्या होता है उम्र के साथ साथ आपकी आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है सो दैट इज आर्टेरियोस्लोसिस ओके फिर उसके बाद अगर समझो आप बहुत ज़्यादा फैट वगैरह डिपोजिशन हो रहा है बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे अथेरोस्लोसिस ओबेसिटी की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है ठीक है अगर ब्लड प्रेशर 90-60 के नीचे गया तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर हाइपो मतलब लो और अगर ब्लड प्रेशर 140-90 के ऊपर गया तो इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और ऐसे कंडीशन में आपको इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके वजह से तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं एडीएच हार्मोन के वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है एडीएच हार्मोन वाटर एब्जॉर्प्शन करता है जिससे ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है बट अगर एडीएच हार्मोन नहीं बना तो ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा फिर आपका एज फैक्टर आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन सब कुछ मैटर करता है ठीक है यह देखो साउंड हर्ट ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड कोरोटक ऑफ साउंड ये अंडरलाइन करो जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो जो साउंड सुनाई देती है उस साउंड को हम बोलते हैं कोरोटक ऑफ साउंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू दिया है हाई ब्लड प्रेशर यानी और लो ब्लड प्रेशर यानी कि नाइनटी अपॉन सिक्सटी ठीक है ओके ऑल राइट ये वाला पार्ट आपका डिलीटेड है एंजीना पेक्टोरिस वाला पार्ट आई थिंक डिलीटेड है ठीक है वट एवर पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन चेस्ट यानी कि आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन दैट इज योर हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज इट इज ऑल्सो नोन एज अथेरो फैट डिपोजिशन की वजह से आपका ब्लड सप्लाई स्लो हो जाता है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सो दिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये आपका डिलीटेड है ब्लड वेसल की स्टडी को हम बोलते हैं एन्जियोग्राफी ठीक है हार्ट ट्रांसप्लांट वाला पार्ट डिलीटेड है अगर कोई ब्रेन डेड पर्सन है तो उसका हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी सीवियर केस में साइलेंट हार्ट अटैक इज योर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन्फार्क्शन मतलब क्या होता है टिश्यू डैमेज यानी कि साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा लगेगा कि एसिडिटी आई है गैस हुआ है उसके वजह से हमारा हार्ट पेन हो रहा है बट ये एक्चुअली आपका हार्ट अटैक होता है और इसके सिम्टम्स बहुत ही सिंपल होते हैं बट अगर आपने इसको इग्नोर किया तो डेथ भी हो सकती है इंसान की ठीक है हार्ट का फंक्शनिंग प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चेक करने के लिए हम ई यानी जी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम की मशीन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से हम चार चार पॉइंट्स चेक करते हैं ठीक है देखो ईसीजी जी कैसे काम करता है हम टोटल टेन इलेक्ट्रोड्स अच्छा, अटैच करते हैं जिसमें से दो इलेक्ट्रोड्स हाथ पे दो इलेक्ट्रोड्स पैर पे और बाकी के छह इलेक्ट्रोड्स हम चेस्ट पे अटैच करते हैं इससे हमारे पूरे बॉडी में पूरे के पूरे हार्ट का जो ग्राफ है वो ग्राफ हमको देखने को मिलता है ठीक है ओके okay. सो so, देखो जो चार वेव्स जनरेट होती है आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये एमसीक्यू आएगा इसकी मैं गारंटी देती हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो वेव्स जनरेट होती है उसमें से पी वेव का मतलब क्या है क्यू आर एस वेव का मतलब क्या है और टी वेव का मतलब क्या है वो बताया गया पी वेव मतलब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमने पढ़ा था ना जीरो पॉइंट वन सेकंड के लिए आपका एट्रियल सिस्टोल होता है तो वहां पे पी वेव आपका जनरेट होता है यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसीलिए पी वेव जनरेट हुआ फिर उसके बाद जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड्स के लिए आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है सो तो इसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ठीक है क्यू आर एस वेव में आपका वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहा है मतलब एट्रिया रीपोलराइज हो रहा है क्योंकि एट्रिया रिलैक्स कर रहा है

आपके आरबीसी और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्सेंट है सिर्फ वाटर प्रेजेंट है और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है ठीक है तो हमारे लिम्फ में क्या होता है लिम्फ में डब्ल्यू होते हैं और कुछ थोड़े बहुत आ, प्रोटीन्स होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है ये देखो आपके लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्गन याद रखो लिम्फ नोड्स अपने लंग्स के पास प्रेजेंट होते हैं अपेंडिक्स वाले रीजन में बोन मैरो में फिर आपका इधर पे जो थाइमस ग्लैंड होता है वहाँ पे आपके टॉन्सिल्स में स्प्लीन में और पेयरस पैचेस में यानी इंटेस्टाइन के पार्ट में लिम्फैटिक सिस्टम का काम होता है इम्यून सेल्स बनाना ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अवर लिम्फैटिक सिस्टम येस लिम्फैटिक सिस्टम हमारे वेन से कनेक्टेड है यह आपको क्वेश्चन आता है कि लिम्फ लिम्फ वेसल

चलो इट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अवर बॉडी ऑल द मैक्रो विच बॉडी ठीक है ओके okay, चलो फिर अभी कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं लेकिन उसके पहले एनसीआरटी वाली चैनल पे डेली आपको नीट 2022 के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलना स्टार्ट हो गए सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कौन कौन सॉल्व कर रहा है बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है या आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रख सकते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जिन बच्चों को ये वन शॉट लेक्चर्स अटेंड नहीं करना है तो वो डायरेक्ट ये 24 फोर आवर्स वाला वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका बायो का फिफ्टीन चैप्टर्स कवर्ड है इस वीडियो में आपका फिजिक्स का एट चैप्टर्स कवर्ड है बाकी के फिजिक्स के चैप्टर आप इस प्ले से देख सकते हो ऑलरेडी वन शॉर्ट लेक्चर्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर सीई के बताओ ना बता दिया है मैंने ऑलरेडी जाके वीडियो देखो नीले महेश ओके यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस वन शॉट लेक्चर अवेलेबल है यहाँ पे भी आपका महा महारिविजन अवेलेबल है यार बहुत कुछ पहले से देकर रखा हुआ है यहाँ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे बायो के फिजिक्स के और यहाँ आपको शिफ्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे कुछ आराम से चार पाँच सौ छह सौ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस अपना हो गया है तो अगर तुम लोग रो रहे हो कि एमसीक्यू नहीं है एमसीक्यू नहीं है तो तुमको आके एक एक झापड़ मारना चाहिए ये प्लेलिस्ट चेक करो अपने आप तुमको एमसीक्यू मिलेगा यस एवरीबडी चलो फटाफट से अभी इसका आंसर दे दो मुझे बायोमेडिकल फील्ड इंजीनियरिंग अच्छा है बहुत महंगा है लेकिन अच्छा है मोस्ट वेलकम प्रतीक्षा मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम अनिकेत मैंने आंसर दे दिया बेटा आपका फटाख से आंसर दो चलो वेरी गुड सो इसका आंसर क्या आएगा सेवन पॉइंट फोर नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म यूज टू डेजिग्नेट एंड इंक्रीज़ इन द टोटल नंबर ऑफ़ डब्ल्यू आपके डब्ल्यू का नंबर इंक्रीज़ हो गया तो उसको क्या बोलते हैं पीनिया मतलब क्या होता है डिक्रीज यस yes. तो इसका आंसर क्या आएगा कौन है ये थैंक यू अरे टीचर तुम्हारी टीचर जरा शर्म करो टीचर से ही फ्लर्ट करना चालू कर दिया आप कहीं के आपका डब्ल्यू बी सी इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस अगर इधर ल्यूकेमिया दिया होता तो आंसर बी और डी दोनों आता लेकिन इधर सिर्फ कैंसर बोला आप कौन सा टाइप का कैंसर है क्या पता है इसीलिए आंसर डी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज पल्स प्रेशर अभी हमने फॉर्मूला देखा था मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी आपको फिर से याद दिला देती हूँ कल सुबह आठ बजे अपना फिजिक्स का फिजिक्स चैप्टर वन का वन शॉट है जो एक घंटे में सर खत्म कर देंगे ठीक है फिजिक्स चैप्टर वन का वन शॉट लेक्चर है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह बताएंगे तो कल सुबह आठ बजे लेक्चर मिस मत करना एक से डेढ़ घंटे में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा यस ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर ओके द टाइम टेकन फॉर डायस्टोल ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज डायस्टोल का वैल्यू बताओ क्या आएगा बी फार्मा के बाद ट्वेल्थ का परसेंटेज क्राइटेरिया रहना चाहिए फिफ्टी के ऊपर रहना चाहिए बाकी ज्यादा मैटर नहीं करता ओके जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना है जीरो पॉइंट फोर सेकेंड वेरी गुड सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके okay. मुंबई में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है ज्ञान लैब ट्यूटोरियल यहाँ पर बहुत ही मिनिमम प्राइस यानी फिफ्टीन ट्वेंटी थाउजेंड में हम पूरा क्लास इलेवेंथ का कोचिंग दे रहे हैं तो जो बच्चे मुंबई के वडाला दादर सायन माटुंगा में रहते हैं वो बच्चे आकर अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं बैचेस स्टार्ट हो चुकी है क्लास इलेवेंथ की इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है अगर कॉल करोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे और मुझसे बात करने नहीं मिलेगी सिर्फ व्हाट्सएप करना है ठीक है ओके okay, आप हमारे एंटरटेनमेंट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो so, फटाफट से वीडियो को शेयर करो और मेरा एक ही गोल है महाराष्ट्र के मैक्सिमम बच्चों तक फ्री एजुकेशन पहुंचना चाहिए सो so, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो या मत करो बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले लोगों तक फैले और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके सो बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखना यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन सी यू टुमारो एट एट ओ क्लॉक

ज्ञान लाइव एनसीआर टी सो सब लोग फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व करो फटाफट एग्जाम देना और फटाफट मुझे प्राउड फील कराना है चलो बाय बाय टेक